The events, characters, and entities depicted in this film are fictional. Any resemblance or similarity to any actual events, entities, or persons, whether living or dead, is entirely coincidental. हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे हैं। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बकरा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। जाने का आप? यही तो उम्र है जाने की। बराद में जाएंगे या कॉलेज खत्म होने के बाद जाएंगे? वल्ला हबीबी, हमारी बात सुनो कबीबी। साला समझ में नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है। हो गया है माँ बाप का स्ट्रेस, अब हम बच्चे नहीं है, जवान है। हो गया, अब खेलें। अब रेडी। मैं डरने का क्या है, मैं उन्हें सब संभाल लूंगा। आई लव गोवा। में बीते लंबे वक्त से चर्चा में थी, मगर इसे लेकर कोई पुख्ता अपडेट नहीं मिल रहा था। अब पता चला है कि अक्षय और तापसी ने इसकी शूटिंग भी पूरी कर ली है। खबरों के मुताबिक ये मूवी कुछ पुराने दोस्तों की कहानी है, ऐसे दोस्त जो एक गेम खेलते हैं, ऐसा गेम जिससे उन दोस्तों के बीच का बॉन्ड और दोस्ती दिखाई देता है। इसी खेल के आसपास इन सारे दोस्तों की जिंदगी और उनके पर्सनल प्रोफेशनल रिश्तों को दिखाया जाएगा। खेल में मूवी में करीब 17 साल बाद अक्षय कुमार और फरदीन खान साथ में दिखने जा रहे हैं। इससे पहले दोनों साल 2007 में रिलीज हुई मूवी हे बेबी में साथ काम कर चुके हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड में सोर्स के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया गया है ये एक बड़ी कास्ट के साथ कुछ ऐसे पुराने दोस्तों की कहानी है जो डिनर के लिए मिलते हैं। इसके बाद वो मिलकर एक गेम खेलते हैं और अपनी अपनी सीक्रेट्स रिवील करते हैं। इसके बाद जो होता है वो वाकई बहुत ही मजेदार होता है। इसी मूवी से फरदीन खान 13 साल बाद स्क्रीन पर कॉमेडी करते दिखेंगे। सोर्स ने कहा ये फरदीन खान और मुदस्सर अजीज का रियूनियन है। दोनों ने इससे पहले साथ में मूवी दूल्हा मिल गया में काम किया था। दूल्हा मिल गया से ही मुदस्सर ने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी फिर भाग जाएगी और पति पत्नी और वो बनाई। मुदस्सर की पिछली मूवी XXL थी। मुदस्सर की बतौर डायरेक्टर डेब्यू मूवी दूल्हा मिल गया फरदीन खान की आखिरी रिलीज मूवी थी, जो 2010 में आई थी। फरदीन अब कमबैक के लिए पूरी तरह से रेडी है। फरदीन के खाते में हाउसवाइफ 5 और विस्फोट नाम की फिल्में भी हैं। हालिया रिलीज संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में भी फरदीन दिखाई दिए थे। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट बहुत ही लंबी है। बड़े मियां छोटे मियां और खेल खेल में के अलावा वो स्काई फोर्स, वेलकम टू दी ट्रंगल, हाउसफुल 5, ट्रॉली, LLB 3 और हेरा फेरी 3 जैसी फिल्मों में दिखाई देने वाले हैं 2024 में। इन सभी फिल्मों के अलावा उनके खाते में प्रियदर्शन के साथ एक अनाम मूवी भी है। वहीं रोहित शेट्टी की सिंघम 3 में भी वो कैमियो करेंगे। खेल खेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ मजेदार कहानी लेकर आ रही मूवी लग रही है। ये मूवी भले ही कॉमेडी वाली हो, लेकिन इसमें एक रियल सस्पेंस भी है और कहानी का ये एलिमेंट मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के लिए पिछले 3 साल बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब वो इस साल अपनी तीसरी रिलीज के लिए बिल्कुल रेडी है। उनकी नई मूवी खेल खेल में का ट्रेलर आ गया है और अक्षय कुमार फैंस के लिए अच्छी बात ये है कि वो अपनी
ट्रेडमार्क ह्यूमर और कॉमिक टाइमिंग के साथ नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में नजर आ रही कहानी के हिसाब से खेल खेल में तीन कपल्स की कहानी है। अक्षय कुमार, वाणी कपूर, एमी विर्क, तापसी पन्नू और आदित्य सील, प्रज्ञा जायसवाल आपस में दोस्त या रिलेटिव है। इनके लुक्स देखकर लग रहा है कि ये शायद किसी पार्टी के बाद साथ रुके हैं और बोर हो रहे हैं। इनके साथ फरदीन खान भी है जो कहानी में अकेले सिंगल पुरुष नजर आ रहे हैं। ये सभी अपनी बोरियत को दूर करने के लिए एक गेम खेलते हैं और तय करते हैं कि रात भर के लिए सभी के मोबाइल फोन पब्लिक प्रॉपर्टी होंगी, यानी किसी के भी फोन पर जो मैसेजेस कौन आएगा वो सबको पता चलेगा। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में किसी के वकील, डॉक्टर और सीए से भी ज्यादा राज उसके मोबाइल में होते हैं। खेल खेल में के ट्रेलर में जहां किसी का मोबाइल एक कॉल गर्ल एजेंट से उनका कनेक्शन जोड़ रहा है, तो किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नजर आ रहा है। मगर ट्रेलर कहानी का कोई बड़ा ट्विस्ट भी छुपा रहा है। कहानी में एक खटकने वाली बात यह है कि फरदीन का कैरेक्टर ही सिंगल है और वो कहानी में अक्षय के अच्छे दोस्त नजर आ रहे। इनमें दो मेल किरदारों की उम्र भी मैच कर रही है। क्या खेल खेल में का बड़ा ट्विस्ट अक्षय, वाणी और फरदीन के बीच छिपा है? अक्षय इस मूवी में अपनी ट्रेडमार्क कॉमिक टाइमिंग में नजर आ रहे और फरदीन लंबे समय बाद वापसी करें। मूवी की टैगलाइन है स्त्री और पुरुष दोनों देखे, जो अक्षय की मूवी के साथ रिलीज हो रही दूसरी फिल्मों को इशारा करती है। 15 अगस्त को खेल खेल में के साथ श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 और जॉन अब्राहम की वेदा भी रिलीज हो रही है। खेल खेल में साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। अक्षय कुमार के फैंस इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को खेल खेल में का ट्रेलर को देखा देखा सा लग रहा है। सूत्रों की माने तो जैसे अक्षय की मूवी के ट्रेलर की शुरुआत में सभी दोस्त एक टेबल को घेर कर बैठे हैं और फोन पर कुछ मैसेज आता है। कुछ ऐसे ही सीन 2016 में आई इटालियन मूवी परफेक्ट स्ट्रेंजर्स में भी देखने को मिले थे। अक्षय कुमार और वाणी कपूर खेल खेल में कपल की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही तापसी और एमी भी कपल है। ये सभी दोस्त है और एक खेल खेल रहे हैं जिसमें फोन पर मैसेज आता है और उस मैसेज को सभी के सामने पढ़ना है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद इनके आपसी रिश्तों में क्या बदलाव होता है, मूवी की कहानी इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है। सूत्रों की माने तो 2018 में परफेक्ट स्ट्रेंजर्स को फ्रेंच में नथिंग टू हाइड टाइटल से बनाया गया था। मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी मूवी खेल खेल में 15 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। खेल खेल में के ट्रेलर को देखने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल की एक मूवी 12th मैन भी इसी सब्जेक्ट पर मिलती जुलती मूवी थी। इसके अलावा एक और कन्नड़ मूवी भी इसी कहानी पर बन चुकी है। कई फ्लॉप फिल्मों की मार झेल रही अक्षय की ये मूवी अब बॉक्स ऑफिस पर क्या खेल दिखाएगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। पिछले कुछ अरसे से भले ही अक्षय कुमार का करियर ठीक नहीं चल रहा, मगर बॉक्स ऑफिस के खेल के वो तगड़े खिलाड़ी रहे हैं। बैक टू बैक फ्लॉप देने वाले अक्षय कुमार ने सिलसिलेवार ढंग से हिट फिल्में भी खूब दी हैं। अक्षय के फैंस जानते होंगे कि जिस मूवी ने उन्हें खिलाड़ी का तमगा दिलवाया था उसका टाइटल भी खिलाड़ी ही था। मगर ये बात कम लोग जानते होंगे कि 32 साल पहले आई इस मूवी का उनकी आने वाली मूवी खेल खेल में से क्या कनेक्शन है। चलिए डिकोड करते हैं सारी चीजों को और ये बहुत ही मजेदार कनेक्शन है। स्टोरी की शुरुआत खेल खेल में टाइटल से होती है। मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि खेल खेल में कुछ दोस्तों के सीक्रेट्स रिवील हो जाते और उनसे ट्विस्ट आते हैं। इस टाइटल से पहले मूवी 1975 में आई थी जो ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर थी। उस मूवी में ऋषि कपूर, राकेश रोशन और नीतू सिंह ने लीड रोल्स निभाए थे। रवि टंडन निर्देशित मूवी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही थी। इसकी कहानी सचिन भौमिक ने लिखी थी। मूवी में ऋषि, राकेश और नीतू ने कॉलेज स्टूडेंट्स के किरदार निभाए थे जो एक प्रैंक की वजह से बदमाशों के चुंगल में फंस जाते हैं। ये मूवी शुरुआत में कॉलेज रोमांटिक ड्रामा जैसी लगती है, मगर धीरे धीरे एक जोरदार थ्रिलर मूवी बदल जाती है। ये मूवी अंग्रेजी नॉवल गुड चिल्ड्रन डोंट किल पर आधारित थी। आपको याद होगा कि अक्षय कुमार 1992 में आई मूवी खिलाड़ी का मुख्य प्लॉट भी कुछ इसी तरीके का था। अक्षय, दीपक, तिजोरी, आयशा लीड रोल्स में थे जो एक शर्त की वजह से बहुत बड़ी साजिश में फंस जाते हैं। अब्बास मस्तान निर्देशित ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और अक्षय के नाम के साथ खिलाड़ी टैग जुड़ गया था। अब समय का पहिया घूम कर वहीं आ गया है और अक्षय की आने वाली मूवी का टाइटल खेल खेल में है।
बॉलीवुड के हैंडसम हम फरदीन खान ने 14 साल बाद सेंट्रल लीला भंसाली की हीरा बंदी सीरीज से वापसी की थी। एक्टर अब फिल्म इंडस्ट्री में फिर से एक्टिव हो चुके हैं। फरदीन की अब खेल खेल में मल्टी स्टारर मूवी आने वाली है, इसमें वो अक्षय कुमार के साथ है। हाल ही में इसका ट्रेलर जारी हुआ। फिल्म कास्ट और क्रू के साथ एक वीडियो शेयर किया उन्होंने और अपना फीलिंग्स भी जाहिर किया। फरदीन खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की जहां वो खेल खेल में मूवी की कास्ट संग प्रमोशन करते और मस्ती करते दिखे। इसके साथ कैप्शन में एक्टर ने अपनी फीलिंग्स भी शेयर की और लिखा, मैं आप सभी के साथ खेल खेल में का ट्रेलर शेयर करते हुए बेहद एक्साइटेड हूँ। ये पल मेरे लिए बहुत ही इमोशनल है क्योंकि ये 14 सालों में मेरी पहली थिएट्रिकल रिलीज है। बड़े पर्दे पर वापसी करना पुरानी यादों उत्साह को फिर से ताजा करना है। फरदीन ने बताया कि उनकी कमबैक से पहले की आखिरी रिलीज दूल्हा मिल गया थी, उसको भी खेल खेल के डायरेक्टर ने ही डायरेक्ट किया था। वो बोले, मुदस्सिर अजीज उर्फ एमए के साथ इस मूवी पर काम करना अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। दूल्हा मिल गया मूवी की बहुत सारी यादें ताजा हो गई, जो किस्मत से मेरी आखिरी सिनेमा घरों में रिलीज हुई मूवी भी थी। एमए के विजन और डेडिकेशन ने इस प्रोजेक्ट को हम सभी के लिए बहुत ही खास बना दिया है और मैं इसका हिस्सा बनकर खास तौर से भाग्यशाली फील करता हूँ। एक्टर ने खेल खेल में की कास्ट को भी बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कहा। एक्टर ने कास्ट एंड क्रू को कहा कि आप में से हर एक ने मूवी में एक अलग ही तरह का फील जोड़ा है। फिल्म मेकिंग के दौरान मुझे दिखाए गए गर्मजोशी, प्यार और सम्मान के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। आपने मुझे इतने लंबे समय से थिएटर से दूर रहने के बाद भी इतना वेलकमिंग फील करवाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फरदीन का ये ग्रैटिट्यूड पोस्ट पढ़कर फैंस भी इमोशनल होते नजर आए। कमेंट कर सभी ने उन्हें उनकी नई पारी के लिए बहुत सारी बधाइयां दी। बता दे, खेल खेल में मूवी में अक्षय कुमार, फरदीन खान के साथ एमी विर्क, आदित्य सिंह, वाणी कपूर, प्रज्ञा जायसवाल, तापसी पन्नू भी होंगे। ये मूवी 15 अगस्त को रिलीज होगी। हालांकि फरदीन के साथ साथ अक्षय के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा कि उनकी मूवी ऑडियंस के दिलों पर कितना छाप छोड़ पाती है, क्योंकि 15 अगस्त को ही जॉन अब्राहम की देशभक्ति मूवी वेदा और राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री टू भी रिलीज होने वाली है। दोनों ही फिल्मों का फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है। ऐसे में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी मूवी ऑडियंस को ज्यादा लुभाती है। वैसे स्त्री का अपना अलग ही फैन बेस है, तो ये हो सकता है कि स्त्री टू खेल खेल में को कमाई के मामले में क्रॉस कर जाए। अक्षय कुमार, वाणी कपूर, तापसी पन्नू, फरदीन खान सहित तमाम स्टार्स की मूवी खेल खेल में का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। मूवी खेल खेल में को देखने के लिए फैंस बहुत ही एक्साइटेड है और इसके रिलीज का वेट कर रही है। आइए जानते हैं कि इस मूवी में नजर आने वाले स्टार्स ने कितनी फीस चार्ज की है। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में रिलीज होने के लिए रेडी है। ये मल्टी स्टारर मूवी इस स्वतंत्रता दिवस पर आएगी। अक्षय कुमार ने इस मूवी के लिए 60 करोड़ रुपए लिए हैं। अक्षय कुमार के साथ वाणी कपूर एक बार फिर काम करते नजर आने वाली है। मूवी खेल खेल में काम करने के लिए वाणी कपूर ने 1.5 crore रुपए की फीस ली है। मूवी खेल खेल में तापसी पन्नू महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आने वाली है। तापसी पन्नू को इस मूवी के लिए 1 crore रुपए मिले हैं। फरदीन खान 14 साल बाद बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। मूवी खेल खेल में एक बार फिर फरदीन काम करते दिखाई देंगे। इस मूवी के लिए उन्हें 70 lakh रुपए दिए गए हैं। फिल्म खेल खेल में प्रज्ञा जायसवाल अपनी अदाओं से लोगों का ध्यान खींचने वाली है। मूवी खेल खेल में काम करने के लिए प्रज्ञा जायसवाल ने 55 lakh रुपए की फीस चार्ज की है। खेल खेल में आदित्य सील भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाएंगे। मूवी खेल खेल में अपनी फीस के लिए आदित्य सील ने 40 lakh रुपए चार्ज किए हैं। एमी विर्क अब बॉलीवुड फिल्मों में अपनी पहचान बना रहे हैं। मूवी खेल खेल में एमी विर्क नजर आएंगे और इसके लिए वो 1.5 crore रुपए की फीस ले रहे हैं। खेल खेल में का मुकाबला स्त्री टू से होने वाला है। ट्रेलर लॉन्च के मौके पर मीडिया ने फिल्म मेकर से इस क्लैश और क्लैश के बारे में पूछा। डायरेक्टर ने कहा कि वो चाहते हैं कि दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा, हम सभी हिंदी सिनेमा के हिस्सा हैं।
एक उत्सवी सप्ताहांत आ रहा है। मुझे अमर कौशिक बहुत ही पसंद है, मैं उनके काम का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारी दोनों फिल्में चले। मैं चाहता हूँ कि हिंदी फिल्में अच्छा प्रदर्शन करें। हमें अपने उद्योग को समृद्ध बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जब ऐसा कोई उत्सवी सप्ताहांत आए तो हमें अपने ऑडियंस को आने के लिए कहना चाहिए। निर्देशक ने आगे कहा, ये अमर को पुकारने और ये कहने का मेरा तरीका है कि चलो बॉक्स ऑफिस पर एक शानदार सप्ताहांत बिताते हैं। चलो हम सब अच्छा करते हैं क्योंकि हिंदी सिनेमा को इसी की जरूरत है। स्त्री 2 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक रही है। इस मूवी में श्रद्धा, राजकुमार राव एक मजेदार लेकिन डरावने सफर के लिए फिर से साथ आए हैं। इस बीच खेल खेल में सात लोगों के इर्द गिर्द घूमती है कहानी, जो अपने फोन में छिपे रहस्यों को उजागर करने का एक साहसिक खेल खेलने का फैसला करते हैं। जब सबसे गहरे रहस्य उजागर होते हैं तो हर किसी का एक दूसरे के साथ रिश्ता एक भयानक मोड़ ले लेता है। गुलशन कुमार टी सीरीज और वकाओ फिल्म ने प्रस्तुत किया है खेल खेल में को। खेल खेल में का निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है और भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, अश्विन वर्दे, विपुल डी शाह, राजेश बहल, शशिकांत सिन्हा और अजय राय द्वारा निर्मित है ये मूवी। इस साल कुछ बेहतरीन फिल्में रिलीज हुई हैं और सभी ने अपनी परफॉर्मेंस से नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। लेकिन असली रोमांच 15 अगस्त को होने वाला है। जी हाँ, एक दिन 5 फिल्में रिलीज होने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर इन सभी को एक दूसरे से टकराते देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। बड़े पर्दे पर आखिरी बड़ी टक्कर हमने डंकी और सालार पार्ट 1 सीज फायर के बीच देखी थी। साउथ सिनेमा इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ कई सफलताएं हासिल करी है। ये सिलसिला जारी रहेगा और हिंदी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ती रहेगी, जिससे नॉर्थ वर्सेस साउथ की टक्कर होने वाली है। तो आइए 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने वाली फिल्मों के नामों पर एक नजर डालते हैं। स्त्री 2 इस साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है। मूवी लवर्स और दर्शकों हिट फिल्म स्त्री के बाद इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रही है। मूवी में श्रद्धा कपूर, राजकुमार के अलावा पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बैनर्जी और अपार शक्ति खुराना भी है। ये 15 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ट्रेलर को मिल रहे रिस्पॉन्स से पता चलता है कि ऑडियंस इस हॉरर कॉमेडी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। तंगलान इस साल की सबसे रोमांचक फिल्मों में से एक है। स्टूडियो ग्रीन द्वारा प्रोड्यूस ये मूवी कोलार गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ में खदान मजदूरों की असल घटनाओं पर बेस्ड कहानी बयां करने वाली है। पारंजी द्वारा डायरेक्टेड इस मूवी में श्रेयान विक्रम एक नए रोल में है, साथ ही मालविका मोहन और पार्वती भी अहम भूमिका निभा रही है। ये मूवी 15 अगस्त सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए रेडी है। इसके साथ ही तंगलान मूवी सभी के सामने साउथ फिल्म इंडस्ट्री द्वारा बड़े पर्दे पर लेकर आने वाली नई आइडियाज और कॉन्सेप्ट पर भी रोशनी डालती है। खेल खेल में मूवी अपनी बड़ी स्टार कास्ट की वजह से सभी का ध्यान अपनी खींच रही है। इसमें अक्षय कुमार, वाणी कपूर, फरदीन खान, तापसी पन्नू, अपार शक्ति खुराना और अन्य कलाकार हैं। ये मूवी दोस्तों के एक ग्रुप के बारे में है, जो जनों के लिए मिलते हैं और एक दूसरे के बारे में राज खोलते हैं। बता दें कि ये मूवी भी 15 अगस्त 2024 को ही आएगी। वेदा अपनी घोषणा के बाद से ही काफी चर्चा में। सच्ची घटनाओं पर आधारित ये मूवी एक ऐसे इंसान की बहादुरी को दिखाती है जो मुश्किल हालातों में भी कठोर व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है। मूवी में एक युवा महिला की न्याय के लिए लड़ाई को दिखाया गया, जिसमें एक आदमी उसका साथी बन जाता है। इसमें जॉन अब्राहम, शर्वरी, अभिषेक बैनर्जी और तमन्ना भाटिया मुख्य भूमिका में है और ये 15 अगस्त 2024 को रिलीज होने के लिए बिल्कुल रेडी है। रघु थाथा एक परफेक्ट फैमिली एंटरटेनर एक होम वाले फिल्म द्वारा बनाई गई हंसी मजाक वाली कहानी है, जिसमें एक विद्रोही युवा महिला के बारे में बताया गया है। वो अपने सिद्धांतों के बीच चुनाव करना चाहती है। कीर्ति सुरेश तारर ये मूवी 15 अगस्त को ऑडियंस के सामने कॉमेडी की झलक दिखाएगी। परफेक्ट स्ट्रेंजर्स को लेकर बवाल मचा हुआ है क्योंकि अक्षय कुमार की अपकमिंग मूवी खेल खेल में इसी पर बेस्ड है। सात दोस्तों की कहानी है, जिसमें एक डिनर पार्टी के दौरान सातों दोस्त अपने अपने फोन में आने वाले मैसेजेस को शेयर करने का फैसला लेते हैं। इन मैसेजेस में इन सातों दोस्तों के फोन मैसेजेस शेयर होते हैं, वर्जिनिटी खोलने और सीक्रेट लव अफेयर्स के राज भी खुलते हैं। ये सिनेमा के इतिहास की सबसे ज्यादा रीमेक की जाने वाली मूवी है। 18 अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल इस मूवी ने वफादारी, दोस्ती और सीक्रेट्स पर बातचीत को बढ़ावा दिया है। नेटफ्लिक्स के अरबी वर्जन में जारी ये मूवी को लेकर अलग बहस छिड़ी हुई थी।
मूवी में महिलाओं की कामुकता यानी सेक्सुअलिटी अधिकारों के बारे में बात की गई, जबकि मध्य पूर्व देशों में इसे धार्मिक और पारिवारिक मूल्यों के खिलाफ देखा जा रहा है। इस मूवी के एक सीन में मिस्र की अभिनेत्री मोना जकी को पैंटी उतारते हुए दिखाए जाने पर सोशल मीडिया में भारी नाराजगी देखने को मिली है। परफेक्ट स्ट्रेंजर्स नेटफ्लिक्स की पहली अरबी मूवी है, क्योंकि खेल खेल में इसी का हिंदी अडॉप्शन है, तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मूवी ओटीटी रिलीज नेटफ्लिक्स पर ही होगी। लेकिन इसको लेकर अभी श्योरिटी नहीं है, क्योंकि मेकर्स ने खुद इसके ओटीटी रिलीज पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। बॉलीवुड फैंस के लिए ये साल काफी बिजी रहने वाला है। इस साल कई बड़ी फिल्मों के रिलीज होने की खबर है। इन फिल्मों में अक्षय कुमार की खेल खेल में, जॉन अब्राहम की बेटा और श्रद्धा कपूर की स्त्री टू भी शामिल है। खास बात यह है कि ये तीनों फिल्में अगस्त में एक ही दिन में रिलीज होने वाली है। इस बार 15 अगस्त को बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा क्लैश देखने को मिलेगा। ये पहली बार नहीं होगा जब बॉलीवुड के देसी बॉयज बॉक्स ऑफिस पर आमने सामने होंगे। टेकबेला के रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय कुमार की खेल खेल में और जॉन अब्राहम की बेटा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज होगी। बता दें, तीसरी बार होगा जब अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम बॉक्स ऑफिस पर एक दूसरे से टक्कर लेंगे। इससे पहले साल 2018 में अक्षय कुमार की गोल्ड और जॉन अब्राहम की सत्यमेव जयते 15 अगस्त को एक साथ रिलीज हुई थी। वहीं साल 2019 में अक्षय की मिशन मंगल और जॉन की बाटला हाउस एक साथ बड़े पर्दे पर आई थी। अब 5 साल बाद अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्में फिर एक साथ रिलीज होने जा रही है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में अक्षय कुमार की फिल्में 15 अगस्त के वीकेंड पर ही रिलीज हो रही है। साल 2022 में अक्षय कुमार की मूवी रक्षाबंधन 11 अगस्त को आई थी। उस वक्त अक्षय की मूवी की टक्कर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा से हुई थी। साल 2023 में अक्षय कुमार की मूवी ओ माई गॉड 2 का क्लैश गदर 2 से हुआ था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अक्षय कुमार को काम करते हुए 3 दशक का समय हो चुका है। वे कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं और इस इंडस्ट्री के बड़े एंटरटेनर माने जाते हैं। उनके रोल्स फैंस को पसंद आते हैं, लेकिन ये वही अक्षय कुमार है जो अपने करियर में कई सारी फ्लॉप्स दे चुके हैं और मौजूदा समय में तो उनकी फिल्में फ्लॉप ही होती नजर आ रही है। ज्यादा पीछे ना जाते हुए अगर बात करें सिर्फ 2024 की, तो इस साल उनकी 2 फिल्में अब तक आ चुकी हैं। उनकी पहली मूवी बड़े मियां छोटे मियां थी। करीब 300 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी बुरी तरह फ्लॉप हुई और बजट का आधा भी नहीं निकाल सकी। वहीं उनकी दूसरी मूवी का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। अब उनकी मूवी खेल खेल में आने जा रही है। ये इस साल की उनकी तीसरी मूवी होगी। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया। ट्रेलर में ऑडियंस को कुछ भी नया पर नजर नहीं आ रहा है और लोग इसे पुरानी बॉलीवुड मूवी से कंपेयर कर रहे हैं। मूवी की बात करें तो इसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि इस मूवी में कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। सीन्स प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं और अक्षय का किरदार भी वैसा ही दिखाया गया है जैसा उनकी पिछली फिल्मों में देखने को मिलता रहा है। खेल खेल में फरदीन खान की एक्टिंग देख उनके नो एंट्री वाले कैरेक्टर को याद कर रहे हैं। एक शख्स ने लिखा, फाइनली हेरा फेरी वाला अक्षय और नो एंट्री वाला फरदीन खान देखने को मिल रहा है। एक दूसरे शख्स ने लिखा, हेरा फेरी प्लस नो एंट्री मिक्स। एक शख्स ने खेल खेल में के ट्रेलर में श्रद्धा कपूर की मूवी स्त्री 2 को भी मेंशन किया है, जिसके साथ स्वतंत्रता दिवस के दिनों फिल्मों का क्लैश हो रहा है। अक्षय की मूवी के ट्रेलर के अंत में लिखा भी है कि स्त्री के साथ पुरुष भी देखे। इस पर भी लोग रिएक्ट कर रहे हैं। एक शख्स ने इस पर कहा, ये क्या शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। एक्टर फरदीन खान एक लंबे ब्रेक के बाद फिल्मों में वापसी कर रहे हैं। हाल ही में वो संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा बंदी में भी नजर आए थे और अब उनकी मूवी खेल खेल में 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। अपने कमबैक को लेकर फरदीन काफी एक्साइटेड है। हालांकि जब फरदीन ब्रेक पर थे तो वो वक्त उनके लिए कैसा था, इसे लेकर उन्होंने बात की। पिंकविला को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं पूरी तरह से अलग हो गया था। मैं कुछ महीनों में मुंबई आता रहता था, लेकिन मैंने खुद को अलग कर लिया था। 2014-15 तक मुझे ऑफर मिलते थे, लेकिन उसके बाद लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि मैं देश के बाहर मूव कर गया हूँ। इस धारणा को मैं भी अभी तक बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इंडिया में ही रहता हूँ, ये मेरा घर है। आगे उन्होंने कहा था, एक समय तक ऑफर मिलते रहे थे, लेकिन फिर मेरा वजन काफी बढ़ गया था और लोगों को ऐसा लगा कि ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लंबा ब्रेक लेने को लेकर मुझे पछतावा भी है, बहुत बड़ा पछतावा है। मैंने ये प्लान ही नहीं किया था, लेकिन मुझे लगता है कि गैप छोटा हो सकता था, कम से कम 6 से 7 साल का।
मेरे पापा के जाने के बाद मैं अकेले कुछ समय बिताना चाहता था और मेरे पर्सनल कारण भी थे। फर्दी ने बताया कि अपने ब्रेक के दौरान वो सलमान खान के टच में थे। उन्होंने कहा, जब मैंने कमबैक किया तो ये डरावना था, मुझे न्यू कमर की तरह फील हो रहा था। लोग आपको भूले नहीं है, ये जानकर अच्छा लगता है। लोग अभी भी आपका काम देखना चाहते हैं। इस दौरान मैं सलमान खान के टच में था, मैं मुकेश छाबड़ा से भी मिला था, मैं लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं अब काम के लिए वापस आ गया हूँ। अभिनेता अक्षय कुमार की मूवी सरफिरा बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। अब उनका पूरा फोकस अपनी अपकमिंग मूवी खेल खेल में टिका है। ये मूवी इसी महीने रिलीज होने जा रही है और खिलाड़ी जी जान से इसका प्रमोशन कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी वो इसका प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज उन्होंने एक बेहद मजेदार वीडियो भी शेयर किया है, इसने उनके ऑडियंस का दिन बना दिया। अक्षय कुमार ने मूवी हे बेबी के अपने को स्टार्स प्रतीश देशमुख और फरतीन खान के साथ मिलकर एक मजेदार रील बनाई है। हे बेबी की इस बिगड़े नहीं वीडियो मूवी खेल खेल में के हाली हाली गाने पर बनाई है। वीडियो इतना मजेदार है कि इसे देख किसी की भी हंसी छूट जाए। अक्षय ने पुराने पलों को याद किया है। वीडियो के साथ लिखा है, जब हे बेबी की मुलाकात हॉली हॉली से हुई, खेल खेल में हमने ये ब्लास्ट कर दिया है। इसके साथ अक्षय कुमार ने ऑडियंस से भी कहा कि वो भी ऐसी मजेदार रील्स बनाए। अभिनेता ने लिखा, अब आप अपने दोस्तों के साथ हॉली हॉली गाने पर मजेदार रील्स बनाओ और हमारे साथ शेयर करो, जो सबसे अच्छी होगी उसे हम शेयर करेंगे। अभिनेता के इस पोस्ट पर यूजर्स के कमेंट आ रहे हैं, रितेश भाई आप लाजवाब हो। एक यूजर ने लिखा, आप तीनों को एक साथ देखना कितनी खुशी दे रहा है। खेल खेल में का नया गाना दूर ना करी रिलीज हुआ है। इसमें अक्षय कुमार वाणी कपूर के साथ रोमांस करती नजर आ रही है। इस गाने को विशाल मिश्रा और जहरा एस खान ने गाया है। इस गाने के बोल गीतकार कुमार ने लिखे हैं। तनिष्क बागची ने गाने को कंपोज किया है। मूवी में तापसी पन्नू, वाणी कपूर और फरदीन खान अहम कैरेक्टर अदा करते नजर आएंगे। एमी विर्क, आदित्य सील, प्रज्ञा जायसवाल भी इस मूवी का अहम हिस्सा है। आखिरकार मल्टी स्टारर खेल खेल में का पहला पापी ट्रैक हॉली हॉली गुरुवार को रिलीज कर दिया गया था। गाने के मोशन पोस्टर ने ऑडियंस को चढ़ाने के बाद अक्षय कुमार ने ऑडियंस को गाने का पूरा वीडियो दिखाया। पंजाबी डांस नंबर में अक्षय कुमार, एमी विर्क, तापसी पन्नू, वाणी कपूर, आदित्य सिंह, प्रज्ञा जायसवाल और फरदीन खान नजर आ रहे हैं। गाने में फरदीन खान और अक्षय ने अपने आइकॉनिक हे बेबी स्टेप को भी दोहराया। सभी पारंपरिक परिधानों में सजे हुए हैं और पार्टी एंथम की धुनों पर थिरक रहे हैं। गाने को गुरु रंधावा, यो यो हनी सिंह और नेहा कक्कड़ ने गाया है। गाने को शेयर करते हुए उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लिखा, हॉली हॉली नचनी वो धुन जो आपको अपने पैरों पर खड़ा कर देगी। हैशटैग हॉली हॉली गाना भी रिलीज हुआ। हैशटैग खेल खेल में 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है गेम इज ऑन। गाना रिलीज होते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देनी स्टार्ट भी कर दी। गाने ने कुछ फैंस को फरदीन और अक्षय की हिट मूवी हे बेबी की भी याद दिलाई। एक यूजर ने लिखा, किसी ने नोटिस किया हे बेबी हुकअप स्टेप को अक्षय फरदीन ने किया। दूसरे ने कमेंट कर लिखा, हे बेबी सीन क्या गाना है, खेल खेल में का इंतजार नहीं कर सकता। एक और कमेंट में लिखा था, कॉमेडी ड्रामा 15 अगस्त 2024 को सिनेमा घरों में आएगी, इससे पहले सितंबर में रिलीज किया जा रहा था। भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल डी शाह, अश्विन वर्दे, राजेश बहल, शशिकांत सिन्हा और अजय राय द्वारा निर्मित खेल खेल में कॉमेडी ड्रामा शैली को फिर से परिभाषित करने का लक्ष्य रखता है, जो भावनाओं की एक रोलर कोस्टर सवारी पेश करता है जो सामान्य से परे है। बयान के अनुसार इस सिनेमाई आनंद के लिए तारीख को सुरक्षित रखें, जो ऑडियंस को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देगा और अधिक देखने की लालसा भी पैदा करेगा। इस साल की शुरुआत में निर्माताओं ने रिलीज की तारीख की घोषणा के सेट से एक बीटीएस फोटो भी शेयर की। इस स्वतंत्रता दिवस पर हंसी, नाटक और ढेर सारी मस्ती की पागल दुनिया में कदम रखी। साल में 3 से 4 फिल्में करने वाले एक्टर अक्षय कुमार की बीते कुछ साल से फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो रही हैं। कभी बायोपिक तो कभी पर्दे पर एक्शन करते दिखाई देते हैं, मगर उन्हें हर तरफ से असफलता ही हाथ लग रही है। हालांकि अक्षय का कहना है कि वो इन सभी चीजों से निराश नहीं होते, वो अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और हिट फ्लॉप होना उनके हाथ में नहीं है, वो ऐसे ही फिल्में करते रहेंगे। अब इस बीच उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सभी का ध्यान खींच रहा है।
जिसमें वो जरूरतमंद लोगों को भोजन करा रहे हैं। अक्षय कुमार के फैन क्लब ने एक्स हैंडल पर एक्टर का वीडियो पोस्ट किया है जो कि उनके घर के बाहर का है। वहां वो चेहरे पर मास्क लगाए दिखाई दे रहे हैं और बहन के साथ मिलकर थाली में भोजन लगाकर वो गेट के बाहर से गुजर रहे जरूरतमंद लोगों के हाथ में पकड़ा रहे हैं। इस ट्वीट के कैप्शन में लिखा है, अक्षय कुमार सर आज मुंबई में जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाते हुए दिखे। अक्षय कुमार की इस काम की लोग इंटरनेट पर खूब तारीफ कर रहे हैं, उनकी विनम्रता की सराहना कर रहे हैं, उन्हें साफ दिल का बता रहे हैं। यूजर ने लिखा कि बाजी ने तो दिल जीत लिया। एक ने लिखा, सोने के दिल वाला इंसान है। एक ने लिखा, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। अक्षय कुमार के वर्क फ्रंट की बात करें तो इस साल उनकी तीसरी मूवी रिलीज होने जा रही है। अप्रैल में बड़े मियां छोटे मियां बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। जुलाई में सरफिरा का भी बुरा हाल हुआ और अब खेल खेल में 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है, जिसमें फरदीन और तापसी पन्नू जैसे कलाकार अहम भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा वो सिंघम अगेन, स्काई फोर्स, वेलकम टू दी जंगल और हेरा फेरी 3 में भी नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार की पिछली कई फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है, फिर चाहे वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ हो या सरफिरा। सिर्फ इस साल नहीं बल्कि पिछले साल आई भी उनकी लगभग सभी फिल्में पर्दे पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई। अब उनकी मल्टी स्टारर मूवी खेल खेल में रिलीज होने जा रही है। इसकी रिलीज से पहले खबर आई है कि अक्षय ने दरगाह को करीब 1.21 crore रुपए दान दिए हैं। गुरुवार 8 अगस्त की सुबह से अक्षय कुमार की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल रही थी। इन तस्वीरों में अक्षय मुंबई के हाजी अली दरगाह के बाहर नजर आ रहे हैं। अक्षय ने न सिर्फ दरगाह पर मन्नत मांगी बल्कि दरगाह को 1,21,00,000 रुपए का दान कर दिया। हाजी अली ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मोहम्मद अहमद ताहर ने इस खबर को कंफर्म भी किया है। इंडिया टुडे से बात करते हुए अहमद कहते हैं, हाजी अली दरगाह से रेनोवेशन का काम चल रहा है। अक्षय कुमार को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसमें हाथ बटाने के लिए 1,21,00,000 रुपए का दान दिया। अहमद ने आगे जोड़ा, उनके इस योगदान को हाजी अली ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी मिस्टर सुहेल ने रिसीव किया है। हम अपने देश की इसी समृद्धि और शांति स्वभाव कायम रखने की प्रार्थना करते हैं। इससे कुछ ही दिन पहले अक्षय कुमार ने अपने घर के बाहर बड़े लेवल पर लंगर भी खिलाया था। इस लंगर में अक्षय खुद अपने हाथ से खाना सर्व कर रहे थे। उनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इससे पहले भी अक्षय कुमार ने अयोध्या में बने राम मंदिर के लिए 3 crore रुपए दान दिए थे। अक्षय कुमार के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती जा रही हैं, फिर भी वो भारी भरकम फीस ले रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय ने इस मूवी के लिए 60 crore रुपए चार्ज किए हैं। एमी विर्क को विकी कौशल के साथ बैड न्यूज में देखने को मिले एक्टर एमी विर्क भी खेल खेल में का हिस्सा है। मूवी के लिए एमी ने 1.5 crore रुपए की चार्ज की है। आदित्य सील, अक्षय कुमार के साथ आदित्य सील भी खेल खेल में धमाल मचाएंगे। उन्होंने मेकर से 40,00,000 रुपए की फीस चार्ज की है। प्रज्ञा जायसवाल, खेल खेल में प्रज्ञा जायसवाल भी नजर आने वाली है। बता दें कि प्रज्ञा ने 55,00,000 रुपए की फीस चार्ज की है। तापसी पन्नू, बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू भी इस मूवी का हिस्सा है। तापसी ने मूवी में काम करने के लिए 1 crore रुपए चार्ज किए हैं। वाणी कपूर, वाणी कपूर की फीस का खुलासा भी हो गया है। वाणी को मेकर्स से मिले हैं 1.5 crore रुपए। फरदीन खान, संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी के बाद अब फरदीन खान खेल खेल में नजर आएंगे। इस मूवी के लिए एक्टर को 70,00,000 रुपए दिए गए। अक्षय कुमार अपनी नई मूवी खेल खेल में की रिलीज के इंतजार में। इसी बीच खबर आ रही है कि उन्होंने एक नई मूवी साइन कर ली है, पर दिक्कत ये है कि ये भी एक रीमेक है मगर ऐसी वैसी मूवी का नहीं, तिरंगा का रीमेक। अगर रिपोर्ट्स की माने तो प्रोड्यूसर ने उन्हें मूवी के लिए साइनिंग अमाउंट भी दे दिया है। हालांकि इसे डायरेक्ट कौन करेगा ये अभी तय नहीं किया गया है। तिरंगा के रीमेक को एनएच स्टूडियोज वाले नरेंद्र हीरावत प्रोड्यूस करेंगे। इससे पहले उन्होंने अजय देवगन की औरों में कहा दम था और फ्रेडी ड्रेसी फिल्मों पर पैसा लगाया है, मगर तिरंगा के रीमेक राइट्स को लेकर मामला फंस रहा है। बॉलीवुड हंगामा में तिरंगा मूवी के रीमेक से जुड़े सोर्स के हवाले से छपी रिपोर्ट में लिखा, एनएच स्टूडियोज के नरेंद्र हीरावत ने तिरंगा के राइट्स खरीदे। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मूवी का रीमेक बनाएंगे। उनको लगता है कि मूवी का साउंडट्रैक मासी है, उनके पास इस मूवी के राइट्स हैं, इसलिए उन्होंने सोचा है कि वो इसका अच्छा यूज करेंगे। मूवी के लिए अक्षय कुमार को अप्रोच किया गया है, उन्होंने इसके लिए हरी झंडी भी दे दी है, साथ ही उन्हें साइनिंग अमाउंट भी दे दिया गया।
लेकिन मूवी को डायरेक्ट कौन करेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। बॉलीवुड हंगामा से जुड़े दूसरे सोर्स ने बताया, नरेंद्र हीरावत के पास मूवी के राइट्स हैं, लेकिन टाइटल इस्तेमाल करने के अधिकार नहीं है। मेहुल कुमार के पास ही तिरंगा के टाइटल राइट्स हैं, उन्होंने ही ओरिजिनल मूवी को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। मेहुल ने टाइटल को इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं बेचा है, इसलिए अक्षय की मूवी का टाइटल कुछ और हो सकता है। बॉलीवुड हंगामा ने इस बाबत मेहुल कुमार से पूछा तो उन्होंने कहा, जी मेरे पास टाइटल के राइट्स है, मैंने मिशन तिरंगा नाम से दूसरा टाइटल भी रजिस्टर करवा रखा है, लेकिन मूवी के राइट्स नरेंद्र हीरावत के पास है, उन्होंने टाइटल के लिए मुझसे संपर्क किया था, लेकिन मैंने कहा कि कुछ ऐतिहासिक फिल्मों को दोबारा ना बनाना ही बेहतर है। अगर आपने तिरंगा को रीमेक किया तो लोग तुरंत नारा पाटेकर और राजकुमार के साथ तुलना करेंगे, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो लोग इम्प्रेस नहीं होंगे। मैं अभी ये समझ सकता हूँ कि वो किसी भूली हुई मूवी का रीमेक बनाना चाहते हैं, लेकिन तिरंगा की व्यूवरशिप आज भी है, विदेशों में भी इसे टीवी पर दिखाया जाता है, जो लोग विदेश में रहते हैं वो मूवी देखते हुए फोटो भेजते हैं। मेहुल ने ये कहते हुए अपनी बात खत्म की, ये सिर्फ मेरी राय है, लेकिन जिसके पास राइट्स है ये सब उन पर निर्भर करता है। तिरंगा के रीमेक को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। तिरंगा को एक कल्ट मूवी माना जाता है, मूवी के हीरो विलन से लेकर डायलॉग्स तक लोगों को आज भी रटे हुए हैं। इस मूवी में राजकुमार, नाना पाटेकर, हरीश कुमार, ममता कुलकर्णी और वर्षा जैसे एक्टर्स ने काम किया था। मूवी की कहानी एक ब्रिगेडियर और कॉप की होती है, जो भारत को न्यूक्लियर मिसाइल हमसे बचाता है। मूवी को मेहुल कुमार ने डायरेक्ट किया है। ये मूवी आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को टीवी पर दिखाई जाती है। अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में रिलीज होने जा रही है, इसका क्लैश राजकुमार राव श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 से होने वाला है। 12 जुलाई को अक्षय कुमार की सरफिरा रिलीज हुई थी, मगर पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं की। मुश्किल से ये मूवी 25 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर पाई। रिसेंटली एक इंटरव्यू में अक्षय ने बताया कि कई प्रोड्यूसर्स ने उन्हें धोखा दे दिया है, उन्हें उनके काम के लिए पैसे ही नहीं दिए। दरअसल अवन डांडिया एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पर अक्षय ने गजल अलग से बातचीत के दौरान इसका खुलासा किया। सरफरी मादे गजल अलग नाम से रिलीज की गई इस वीडियो में अक्षय ने अपने वर्क एथिक्स और दिनचर्या को लेकर भी बातें की। गजल मामा आर्ट कंपनी की फाउंडर है। बिजनेस की बात करते हुए जब उन्होंने धोखे और विश्वास की बात की तो अक्षय बोले, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब मुझे कोई धोखा देता है या मेरा विश्वास तोड़ता है तो मैं उसे डिटैच हो जाता हूँ, चुप हो जाता हूँ, साइड से निकल जाता हूँ। मेरे साथ भी ये हुआ है, कई प्रोड्यूसर्स की पेमेंट नहीं आती है, ये भी धोखा ही है। इसी इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने अपनी छुट्टी लेने पर भी बात की, बताया कि कैसे अपना वीकेंड बिताते हैं। अक्षय बताते हैं, मैं सैटरडे को आधे दिन और संडे को पूरे दिन की छुट्टी लेता हूँ, वीकेंड पर अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ। अक्षय के लिए हमेशा कहा जाता है कि वो एक साल में 4-5 फिल्में सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, किसी एक मूवी पर पूरा वक्त नहीं बिताते। इसी इंटरव्यू में अक्षय ने गजल से बात करते हुए कहा, लोग मुझे कहते हैं कि ये एक साल में 4 फिल्में क्यों करता है, अगर मैं एक साल में एक मूवी करूंगा तो बाकी दिन क्या करूंगा। मैं ये बात बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग अक्सर दूसरों को कहते हैं कि ये बहुत काम करता है। एक बात बहुत अच्छे से जान लीजिए, जिन लोगों को काम मिलता है या जिनके पास काम रहता है वो बहुत ही लकी होते हैं, जिनको काम नहीं मिलता उनके दिल से पूछिए। कुछ दिनों पहले अपनी फ्लॉप फिल्मों को लेकर भी अक्षय ने कहा था। फोर्ब्स इंडिया को दिए इंटरव्यू में अक्षय ने कहा कि हर फेलियर से कुछ सीख मिलती है, जिसके साथ आप फिर से आगे बढ़ते हैं। खैर, अक्षय पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। अक्षय की पिछली कई बॉक्स ऑफिस पर लगातार फिल्में पिटती ही आ रही हैं। अब 15 अगस्त को खेल खेल में सिनेमा घरों में रिलीज होगी, इसमें उनके साथ तापसी पन्नू, फरदीन खान, एमी विक भी नजर आएंगे। देखना ये होगा कि बड़े पर्दे पर ये क्या कमाल दिखाती है। इसके अलावा अक्षय के खाते में रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन, हाउसफुल 5, वेलकम 3 और स्काई फोर्स जैसी फिल्में भी शामिल हैं। फोर्ब्स इंडिया को दिए इंटरव्यू में अक्षय ने कहा कि हर फेलियर से कुछ सीख मिलती है। उन्होंने कहा, हर मूवी के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, बहुत खून पसीना होता है, बहुत सारा पैशन होता है। किसी भी मूवी को फ्लॉप होती देखकर दिल टूट जाता है, मगर आपको उससे कुछ ना कुछ सीख जरूर मिलती है। हर असफलता आपको सफलता की अहमियत समझाती है, सफल होने की भूख और बढ़ा देती है। मैं खुद को लकी समझता हूँ कि मैंने इन चीजों से डील करना अपने करियर के शुरुआती फेज में ही सीख लिया था। अक्षय कुमार आगे कहते हैं, किसी भी मूवी का फ्लॉप होना आपको दुख पहुँचाता है और आपके ऊपर गहरा असर भी छोड़ जाता है,
लेकिन इससे मूवी की किस्मत नहीं बदलती। एक ऐसी चीज है जिस पर आपका कोई बस नहीं चलता। आपके हाथ में बस इतना है कि आप भरपूर मेहनत करें, अपनी अगली मूवी को अपना पूरा पूरा समय दें। मैं भी इसी तरह आगे बढ़ता हूँ और अपनी एनर्जी फिर से लाता हूँ, अपनी एनर्जी उस तरफ लगाता हूँ जहाँ इसकी जरूरत है। अक्षय ने अपनी सफलता के पीछे अपने डिसिप्लिन और वर्क एथिक्स का भी हाथ बताया। उन्होंने कहा कि कई सालों से वो एक टाइम टेबल के हिसाब से काम कर रहे, जिस वजह से वो मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से फिट है। अक्षय कहती है, कोरोना काल ने फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। अब जनता फिल्मों को लेकर बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव हो गई है। ऐसे में अब बहुत कठिन हो गया है ऐसे प्रोजेक्ट का चुनाव करना जो एंटरटेनिंग और पूरी तरह से यूनिक हो। इसलिए ऐसी कहानियां ढूंढना बहुत जरूरी है जो ऑडियंस के साथ गहराई से जुड़ पाए, साथ ही उन ऑडियंस को अच्छा एक्सपीरियंस दे जो फिल्में देखने थिएटर्स में जा रहे हैं। अक्षय पिछले 30 सालों से ज्यादा समय से हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं। उनके करियर में कई हिट फ्लॉप और कई कल्ट फिल्में शामिल हैं। वो लगातार काम करते आ रहे हैं। अक्षय कुमार ने साल 2021 में आई सूर्यवंशी के बाद से कोई हिट फिल्में नहीं दी। अब 15 अगस्त को खेल खेल में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसमें उनके साथ तापसी पन्नू, परदीन खान, एमी विर्क भी नजर आएगी। देखना होगा ये बड़े पर्दे पर क्या कमाल करके दिखाती है। अक्षय कुमार 55 साल के हो गए हैं। 9 सितंबर 1967 को अमृतसर में पंजाब में जन्मे राजीव हरिओम भाटिया यानी अक्षय कुमार आज बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें खूब पापड़ बेलने पड़े। कैसे अक्षय कुमार एक्टर और फिर सुपरस्टार बने, आइए जानते हैं। हर आम बच्चे की तरह पढ़ाई पूरी कर नौकरी करने का ख्वाब देखते थे। हालांकि वे डांसर शुरुआत से ही अच्छे थे, लेकिन कभी एक्टिंग के बारे में सीरियसली नहीं सोचा था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपनी लाइफ में एक टर्न लिया और मार्शल आर्ट में करियर बनाने के लिए बैंकॉक चले गए। यहाँ उन्होंने बतौर वेटर काम किया और शेफ बनने की ट्रेनिंग भी ली। ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर अक्षय कुमार ने इंडिया बेल ताइक्वांडो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर अक्षय कुमार इंडिया लौटे। उन्होंने यहां मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर सिखाना नहीं और ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल कर अक्षय इंडिया लौटे। उन्होंने यहां मार्शल आर्ट सिखाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आगे की टक्कर उनके लिए आसान नहीं थी। हमारे देश में उस वक्त मार्शल आर्ट सिखाकर ज्यादा कमाई नहीं की जा सकती थी, इसलिए अक्षय ने अपने लिए जॉब तलाशनी स्टार्ट की। रिपोर्ट्स की माने तो कलकत्ता में उन्हें सबसे पहली नौकरी चपरासी के रूप में मिली। इसके बाद वो सेल्समैन बनकर ढाका चले गए। इसके बाद दिल्ली में ज्वेलरी ट्रेडर के रूप में काम किया और फिर कुछ सालों बाद मुंबई में मार्शल आर्ट टीचर के रूप में काम करने लगे। अक्षय की किस्मत ने शायद कुछ और ही लिखा था। मार्शल आर्ट सीखने आए स्टूडेंट उन्हें मॉडलिंग में जाने की सलाह देने लगे, लेकिन इसके लिए दमदार पोर्टफोलियो की जरूरत थी। कम ही लोगों को पता होगा कि अपना पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए अक्षय ने फोटोग्राफर जयेश सेठ के साथ बतौर असिस्टेंट 18 महीने तक फ्री में काम किया था। जब पोर्टफोलियो तैयार हुआ तो अक्षय ऑडिशन के लिए जाने लगे। इस दौरान उन्होंने बतौर बैकग्राउंड डांसर भी फिल्मों में काम किया। जल्दी उन्हें बेहतर जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त पैसे मिलने लगे, लेकिन अक्षय खुद भी नहीं जानते थे कि किस्मत उन्हें और आगे ले जाना चाहती है। एक बार अक्षय मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए बैंगलोर जा रहे थे, लेकिन किस्मत से उनकी फ्लाइट छूट गई। इससे अक्षय बेहद निराश हुए। वे अपना पोर्टफोलियो लेकर फिल्म स्टूडियोज का राउंड लगाने निकल पड़े। यही एक स्टूडियो में उनकी मुलाकात प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती से हुई और उन्होंने अक्षय को फिल्म दीदार के लिए साइन कर लिया। हालांकि ये मूवी 1992 में रिलीज हुई, लेकिन इसने अक्षय के लिए रास्ते खोल दिए थे। सौगंत उनकी बतौर लीड एक्टर पहली मूवी थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। इसके बाद डांसर आई, लेकिन ये भी नहीं चल सकी। हालांकि तीसरी मूवी खिलाड़ी ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस मूवी को अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट किया था, लेकिन फिर 2 साल तक अक्षय को फ्लॉप और एवरेज फिल्मों का सामना करना पड़ा। 1994 में आई मोहरा अक्षय कुमार के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। खासकर इसके गाने तू चीज बड़ी मस्त मस्त से अक्षय को खूब पॉपुलैरिटी मिली। खुद अक्षय ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे जीवन में 3 चीजों ने खास भूमिका निभाई है, खिलाड़ी मूवी, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त सॉन्ग और चुरा के दिल मेरा सॉन्ग। इन तीनों चीजों ने मेरे करियर को संवारा है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त ने मेरे करियर को टर्निंग पॉइंट दिया था। 1995 से 1999 के बीच का दौर अक्षय के लिए कमजोर रहा,
इस दौरान उनकी 20 फिल्मों में से सिर्फ सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जानवर और इंटरनेशनल खिलाड़ी सक्सेसफुल रहे। हाँ, इस बीच 1997 में दिल तो पागल है में भी किया गया उनका कैमियो जरूर यादगार रहा। 2000 से 2008 तक अक्षय का करियर अच्छा चला। इस दौरान अक्षय ने एक नए जॉनर कॉमेडी को पकड़ा और हेरा फेरी, आवारा पागल दीवाना, मुझसे शादी करोगी, गरम मसाला, भागम भाग और नमस्ते लंदन जैसी फिल्म में काम किया। लेकिन इसके बाद 4 साल तक यानी 2012 तक चांदनी चौक टू चाइना, कमबख्त इश्क जैसी उनकी कई फिल्में लगातार फ्लॉप हुई। हालांकि इस बीच हाउसफुल 1 और 2, देसी बॉयज और राउडी राठौर जैसी फिल्में उनके करियर को सहारा दे दी रही। लेकिन 2013 में स्पेशल 26 करने के बाद से अब तक अक्षय ने हॉलीडे, बेबी, गबर इज बैक, एलिफ, टॉयलेट, एक प्रेम कथा और पैडमैन जैसी फिल्में मैक्सिमम हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दी हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने अपनी एक्टिंग से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है। अक्षय कुमार ने बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में दी हैं और फैंस से खूब वाहवाही भी लूटी। अक्षय कुमार अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा भी कई बार पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे, जिसमें उनकी सिटीजनशिप का मुद्दा भी खूब चर्चा में रहा। हालांकि अब कुछ दिनों पहले अक्षय को इंडियन सिटीजनशिप मिल गई है, लेकिन आखिर क्या वजह थी उन्हें कनाडा की नागरिकता लेनी पड़ी थी, वहीं उन्होंने अपना नाम क्यों बदला था। अक्षय कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर सभी के साथ ये खबर शेयर की थी कि वो अब भारत के नागरिक हैं, क्योंकि इससे पहले उन्हें कई बार इसको लेकर ट्रोल किया जाता था। ऐसे में अक्सर फैंस के मन में ये सवाल उठता था कि आखिर उन्होंने क्यों कनाडा की नागरिकता ली थी। इस बारे में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के दौरान अक्षय कुमार ने कहा था, 14 फिल्मों की नाकामयाबी के बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ और आजमाना पड़ सकता है। कनाडा में रहने वाले मेरे एक करीबी दोस्त ने मुझे वहां आने के लिए कहा था। उसने कहा कि हम मिलकर कुछ काम करेंगे, वो भी भारतीय है और वहीं रहता है। ऐसे में मैंने वहां का पासपोर्ट ले लिया क्योंकि मुझे लगा था कि यहां मेरा करियर ख़त्म हो गया है। लेकिन तभी मेरी 15वीं फिल्म आई और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं आगे बढ़ता रहा, लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपना पासपोर्ट बदलना चाहिए। अक्षय कुमार का असली नाम राजीव भाटिया है। किसी की सलाह पर राजीव भाटिया मॉडलिंग की राह पर चले थे। पहले फोटोशूट के लिए उन्हें 21,000 का चेक मिला था, लेकिन चेक पर अपना नाम देख उन्हें अजीब सा लगा। इसके बाद राजीव ने मूवी आज की, जिसमें उनका रोल करीब 5 सेकंड का था, जबकि लीड रोल में कुमार गौरव थे। मूवी में कुमार का नाम अक्षय था। अक्षय ने एक इंटरव्यू में कहा था, एक दिन मुझे जाने क्या हुआ कि मैं बांद्रा कोर्ट गया और अपना नाम राजीव से अक्षय कर लिया। बाकी किस्मत ही है कि उसके बाद मुझे फिल्में मिलने लगी। कहा जाता है कि नाम बदलने के अगले ही दिन अक्षय को बतौर मुख्य हीरो अपनी पहली मूवी सौगंध मिल गई थी। करियर के इस पड़ाव पर बच्चन पांडे फिल्म से अक्षय कुमार की फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला लगातार चल रहा है। पिछले 2 साल में सरफिरा और बड़े मियां छोटे मियां सहित अभिनेता की 8 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी हैं। अब अक्षय इस साल की 30वीं रिलीज खेल खेल में को 15 अगस्त पर लेकर आ रहे हैं। बेशक मौजूदा समय में अक्षय कुमार पर फ्लॉप हीरो का ठप्पा लग गया है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 90 के दशक में वो उन सुपरस्टार्स में शुमार थे जिनकी फिल्मों ने कमाई के मामले में शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को भी पीछे छोड़ दिया था। साल 2021 में अक्षय कुमार की आखिरी सबसे सफल मूवी रिलीज हुई थी, जिसका नाम था सूर्यवंशी। निर्देशक रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी उनकी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 196 crore का कारोबार किया और बॉलीवुड हंगामा के वर्डिक्ट के आधार पर सूर्यवंशी सुपर हिट रही। 2022 में अक्षय कुमार एक भी हिट फिल्म में नहीं दे पाए और उनकी 4 फिल्में फ्लॉप रहीं। हालांकि 2023 में ओ माई गॉड 2 ने 150 करोड़ का कारोबार कर कहानी को बदलने की कोशिश की, लेकिन इससे अक्षय को कुछ खास राहत नहीं मिल सकी और उनकी मूवी फ्लॉप फिल्मों की कतार में चली गई। बतौर लीड एक्टर साल 1991 में आई मूवी सौगंध से अक्षय कुमार ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। हालांकि इससे पहले वो आज मूवी में छोटे से रोल में भी नजर आ चुकी थी। अक्षय की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और सौगंध एक औसत मूवी साबित हुई। इसके बाद 90 के दशक में अक्षय कुमार की उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया, जैसे खिलाड़ी। अक्षय कुमार को मूवी इंडस्ट्री का खिलाड़ी कहा जाता है। उनको ये टैग साल 1992 में आई अपनी पहली हिट मूवी खिलाड़ी से मिला था। निर्देशक अब्बास मस्तान की जोड़ी ने इस मूवी को बनाया। अक्षय के अलावा मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर खिलाड़ी में आयशा जुल्का साहिबा और दीपक तिजोरी जैसे कलाकार अहम भूमिका में मौजूद रहे। बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने 4 करोड़ की कमाई की थी। मोहरा
खिलाड़ी के बाद अक्षय को फ्लॉप फिल्मों का झटका झेलना पड़ा। ऐलान और जय किशन समेत उनकी मूवीज कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन 1994 में मोहरा ने अक्की को इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना दिया। पुलिस ऑफिसर अमर सक्सेना के रोल में उन्होंने फैंस का दिल जीत लिया। मोहरा सुपरहिट साबित हुई और बॉक्स ऑफिस पर इसका कलेक्शन 12 करोड़ रहा था। अक्षय के अलावा सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, परेश रावल और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार इस मूवी में नजर आए थे। सैफ अली खान के साथ अक्षय कुमार मूवी में खिलाड़ी तू अनारी में नजर आए। इस मूवी का टाइटल सॉन्ग 90 के दशक में खूब पॉपुलर हुआ। मूवी की कहानी में भी ऑडियंस का भरपूर मनोरंजन किया। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में इस मूवी ने 7.88 CR का कारोबार किया था। सबसे बड़ा खिलाड़ी, खिलाड़ी टाइटल अक्षय कुमार के लिए लॉटरी के समान हो गया। 1995 में अभिनेता की पहली सबसे बड़ी खिलाड़ी रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 9.40 CR की कमाई कर तहलका मचा दिया था। मूवी में अक्की के साथ एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी नजर आई। अक्षय कुमार रेखा और रवीना टंडन जैसे कलाकारों में सजी मूवी खिलाड़ियों का खिलाड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर जम कर सफलता हासिल की। कमाई के मामले में मूवी का प्रदर्शन काफी उम्दा रहा और इसने 14 करोड़ का धमाकेदार कलेक्शन भी किया था। इस मूवी के बाद अक्की का करियर तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ गया था। चंकी पांडे और अक्षय कुमार ने हाउसफुल फ्रेंचाइज में स्क्रीन स्पेस शेयर किया है, लेकिन दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वो एक दूसरे को तब से जानते हैं जब वे एक्टिंग क्लास में साथ थे और चंकी अक्षय के सीनियर थे। हाल ही में एक इंटरव्यू में चंकी ने अक्षय के साथ अपनी यादें ताजा की और उनकी तारीफ भी की। इंटरेस्टिंग बात ये है कि अक्षय अब चंकी की बेटी अनन्या पांडे के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर भी कर चुके हैं। चंकी ने कहा कि उनके और अक्षय के बीच बहुत गहरी दोस्ती है। लहरन को दिए एक इंटरव्यू में चंकी ने कहा, मैं 1986 से जानता हूँ, जब हम मधुमती क्लास में थे टीचर्स से पहले सीनियर छात्र जूनियर को प्रशिक्षित करते थे और इसलिए मैंने अक्षय कुमार को कई चीजें सिखाई भी है। आंखें के अभिनेता ने आगे कहा कि उन्हें हमेशा से पता था कि अक्षय एक स्टार होंगे। उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार अक्षय कुमार को देखा तो मुझे बचपन से ही पता था कि वो एक स्टार है। हम एक दूसरे के साथ बहुत ही घुल मिल गए थे और अब अनन्या भी उनके साथ एक मूवी कर चुकी है। उन्हें सेट पर पाकर बहुत खुशी होती है क्योंकि वो बहुत कुछ सुधारते, वो सभी के लिए सुधार करते जो अच्छा है। उन्हें सीन्स बनाना और बनाना बहुत पसंद है। इससे पहले एक इंटरव्यू में अक्षय ने चंकी से टीचिंग प्राप्त करने के बारे में हंसते हुए कहा था, मैंने जो कुछ भी सीखा है वो मैंने शुरू में चंकी पांडे से सीखा और वो इतना गलत था कि मेरी फिल्में नहीं चली, इसलिए मैंने बदलाव का फैसला लिया। चंकी ने मुझे कुछ भी सिखाया मैंने उसे भूला नहीं और फिर कुछ और सीखा और इस तरह मैं अक्षय कुमार बन गया, बड़े मियां छोटे मियां, अभिनेता ने मजाक में कहा। अनन्या के साथ अक्षय की मूवी का नाम शंकरा है और 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की मूवी है। कभी अक्षय कुमार फोटोग्राफर के लाइटमैन हुआ करते थे। स्टार्स के फोटोशूट में लाइट्स पकड़ कर खड़े रहते थे। एक दिन गोविंदा ने फोटोशूट के दौरान अक्षय से कहा था, चिकना है, हीरो क्यों नहीं बन रहा था? वही अक्षय जब हीरो बने तो 1991 से अब तक कोई एक साल भी ऐसा नहीं गुजरा जब उनकी कोई मूवी रिलीज ना हुई हो। 32 साल के फिल्मी करियर में अक्षय 132 फिल्में कर चुके हैं। अकेले अक्षय ऐसे एक्टर हैं जो हर जॉनर, हर तरह के टाबू सब्जेक्ट पर मूवी कर चुके हैं। 90 के दशक में बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान का दबदबा था। उस बीच एक हीरो था जिसने आउटसाइडर होकर भी इन तीनों खानों के बीच न सिर्फ जगह बनाई बल्कि हिट भी रहे। नाम अक्षय कुमार या कहे तो खिलाड़ी कुमार। बदलते दौर के साथ 90 के दशक के हर स्टार की चमक फीकी पड़ गई, लेकिन अक्षय कुमार आज भी बतौर हीरो सालाना 3 से 4 फिल्में देते हैं। बीते 15 सालों में अक्षय ने हिंदी सिनेमा में वो तरक्की और वो कमाई की जो किसी दूसरे एक्टर ने नहीं की। मूवी सेलेक्शन में माहिर ऐसे हैं कि साल की 3-4 फिल्में एक दूसरे से एकदम हटके और मल्टीपल जॉनर की होती है। जैसे पिछले साल की अक्षय की 2 फिल्में आई, सेल्फी और OMG 2। एक कॉमेडी ड्रामा एक्शन मूवी है जिसमें अक्की एक्टर विजय कुमार बने, तो दूसरी सेक्स एजुकेशन पर बनी OMG 2 में वो शिव जी के मैसेंजर बने। 1991 से आज तक कोई ऐसा साल नहीं रहा जब अक्षय की मूवी रिलीज ना हुई हो। 2020 में जब दुनिया और इंडस्ट्री बंद थी तब भी अक्षय की मूवी लक्ष्मी ने OTT पर ऑडियंस का मनोरंजन किया।
90 के दशक की टॉप एक्टर्स में अक्षय कुमार ने शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ जगह बनाई थी। 2010 के बाद हर खान के स्टारडम में गिरावट देखने को मिली, साथ ही उनकी फिल्मों की संख्या में भी कमी आई। अक्षय ने 2010 के बाद तीन खान के मुकाबले सबसे ज्यादा फिल्में दी। उनकी पिछली फिल्में 13 सालों में 47 फिल्में आईं, जबकि तीनों खान एक्टर्स की मिलकर 41 फिल्में ही हैं। अक्षय की कुल फिल्में भी तीनों खान से ज्यादा है, जबकि उनका करियर कम सालों का है। साल 2022 में आई फोर्ब्स की दुनिया की हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में अक्षय कुमार दूसरे नंबर पर है। इसी के साथ उन्होंने विल स्मिथ, लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रैड पिट, ड्वेन जॉनसन जैसी बड़ी हॉलीवुड हस्तियों को भी पीछे कर दिया। अक्षय कुमार की मौजूदा नेटवर्थ है $325 मिलियन, यानी कि 2,660 करोड़ रुपए, जबकि उनकी ब्रांड वैल्यू 1,066 करोड़ रुपए है। फिल्मों के अलावा अक्षय ब्रांड एंडोर्समेंट और फिल्म प्रोडक्शन से भी कमाई करते हैं। उन्होंने 2008 में पिता के नाम पर हरि ओम प्रोडक्शन शुरू किया था, जिसका नाम अब केप ऑफ गॉड प्रोडक्शन है। इसके बैनर तले अब तक सिंह इज किंग, हॉलीडे, एयरलिफ्ट, रुस्तम, पैरमैन जैसी फिल्में बन चुकी हैं। इसके अलावा अक्षय वर्ल्ड कबड्डी टीम लीग की खालसा वॉरियर टीम के भी मालिक हैं। इसी साल अक्षय ने अपनी फैशन ब्रांड फोर्स 9 लॉन्च की है। अक्षय कुमार अपने परिवार के साथ जुहू स्थित बंगले में रहते हैं। इसके अलावा उनके पास खार में 7.8 CR का आलिशान बंगला है। 2017 में अक्षय ने अंधेरी में 38 मंजिला ट्रॉस्कॉन ट्रायम्फ इमारत की 21वीं मंजिल पर 4 फ्लैट खरीदे थे। हर फ्लैट की कीमत 4.5 CR रुपये है। अक्षय कुमार ने मॉरिश में एक वैकेशन हाउस खरीद रखा है, जहां वो अक्सर अपने परिवार के साथ समय बिताने चाहते हैं। उन्होंने गोवा की पॉश इलाके में भी बीच हाउस खरीद रखा है। कनाडा में भी उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है। इसके अलावा अक्षय ने मैपल लीफ कैपिटल में एक आलिशान बंगले के साथ कुछ अपार्टमेंट और टोरंटो में एक पूरा पहाड़ भी खरीद रखा है। अक्षय टैबू सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले बॉलीवुड एक्टर हैं। इसकी शुरुआत फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा से हुई थी, जिसमें गाँव में टॉयलेट ना होने की परेशानियां पर रोशनी डाली गई। 2018 में अक्षय ने मूवी बैडमैन में लक्ष्मीकांत चौहान नाम के एक सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया, जो गांव की लड़कियों के लिए सस्ते सैनिटरी पैड बनाते हैं। हाल ही में रिलीज हुई मूवी OMG2 भी सेक्स एजुकेशन पर ही बनी थी। 9 सितंबर 1967 अक्षय कुमार का जन्म पंजाबी हिंदू फैमिली में अमृतसर पंजाब में हुआ। असली नाम था राजीव हरिओम भाटिया। उनके पिता हरिओम भाटिया आर्मी ऑफिसर थे। कुछ समय बाद उनका पूरा परिवार दिल्ली के चांदनी चौक आकर बस गया। बचपन से ही अक्षय को पढ़ाई में रुचि नहीं थी, हालांकि वो स्पोर्ट्स में अच्छे थे। 12th के बाद अक्षय ने आगे की पढ़ाई करने से इनकार कर दिया, तो पिता ने उनके फैसले की सराहना की। उन्हें ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हासिल किया था। अक्षय कुमार मार्शल आर्ट सीखना चाहते थे, लेकिन मिडिल क्लास परिवार के लिए इतना खर्चा उठा पाना मुश्किल था। उस समय भारत के पास बैंकॉक सबसे सस्ता देश था, तो पिता ने अक्षय को मार्शल आर्ट सीखने वहीं भेजा। भारत से बैंकॉक की टिकट उस वक्त 22,000 रुपये थी, लेकिन उनके परिवार के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। ऐसे में पिता ने 18,000 रुपये उधार लेकर अक्षय के लिए बैंकॉक की टिकट की। करीब 5 साल बैंकॉक में गुजरने के बाद किसी जान पहचान वाले की मदद से अक्षय ने मुंबई के मेट्रो गेस्ट हाउस के रेस्टोरेंट में वेटर का काम किया। दिन भर वो वेटर बनकर काम करते थे और शिफ्ट खत्म होते ही सड़क किनारे थाई बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते थे। रेस्टोरेंट के ऊपर ही उन्हें एक कमरा मिला था, जिसमें वो करीब 4-5 होटल में काम करने वालों के साथ रहते थे। कुछ समय बाद अक्षय कोलकाता की एक ट्रैवल एजेंसी में काम करने लगी। पैसे कमाने की ललक थी, तो अक्षय को जो कुछ भी मिलता था वो उसे करने लगते थे। कुछ समय बाद वो ढाका जाकर शेफ बन गए। एक दिन उसे किसी ने कहा कि कुंदन ज्वेलरी बेचने से अच्छा मुनाफा मिल सकता है। वो मुंबई की मोहम्मद अली रोड में ज्वेलरी बेचने लगे। कई बार तो उन्होंने फ्रंटियर मेल ट्रेन में भी ज्वेलरी बेची। इनसे अक्षय महीने के 5 से 6 हज़ार रुपये तक कमा लेते थे। एक दिन अक्षय के करीब 5,000 के कपड़े और ज्वेलरी लेकर फ्रंटियर मेल ट्रेन में चढ़े थे। जैसे ही ट्रेन चंबल से गुजरी, तो उसमें डाकुओं ने हमला कर दिया। उनके पास बंदूकें थी और वो लोगों का सामान लूट रहे थे। जैसे ही अक्षय ने उन डाकुओं को पास आते देखा, वो सोने की एक्टिंग करने लगे। डाकू पास आए और उन्होंने उसका सारा सामान लूट लिया। अक्षय डर गए कि कहीं शोर मचाने पर वो उन्हें गोली ना मार दे। ऐसे में वो सीट पर बैठ कर रोते रहे। कुछ समय बाद अक्षय दिल्ली लौट आए और वहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। उनके एक स्टूडेंट के पिता मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। उन्होंने अक्षय को देखकर मॉडलिंग करने की सलाह दी, क्योंकि वो बेहद हैंडसम हुआ करते थे। उन्होंने खुद अक्षय को एक फर्नीचर शोरूम के एड में काम दिलवाया था।
अक्षय को मॉडलिंग का कोई अनुभव नहीं था, वो शोरूम गए और उन्हें सोफे पर बैठाया गया। उनके पास एक फीमेल मॉडल आई और उन्होंने इंट्रोडक्शन के अनुसार पोज देना स्टार्ट कर दिया। दो दिन के शूट में चंद तस्वीर क्लिक करवाने पर उन्हें 21,000 रुपये दिए गए, जबकि वो महीने भर की मेहनत के बाद सिर्फ 6,000 ही कमा पाते थे। चेक मिलते ही अक्षय ने मॉडलिंग से ही कमाई करने का फैसला लिया। मॉडलिंग करते हुए अक्षय कुमार सेलिब्रिटी फोटोग्राफर जय शेठ के लिए लाइटमैन बनकर काम करने लगे। गोविंदा, संगीता बिचलानी और ट्रैकी श्रॉफ जैसे कई सेलेब्स उनके स्टूडियो आते थे और फोटोशूट के दौरान अक्षय लाइट पकड़े खड़े रहते थे। एक दिन गोविंदा का फोटोशूट पूरा होने के बाद अक्षय शाम को उन्हें तस्वीरें दिखाने पहुंचे थे। अक्षय तस्वीरें दिखा ही रहे थे कि गोविंदा ने उन्हें गौर से देखा और कहा, चिकना है, हीरो क्यों नहीं बनता, हीरो बनो हीरो। गोविंदा की ये बात अक्षय ने सीरियसली ले ली और स्टार्स को देखते हुए थोड़ा बहुत एक्टिंग का गुरूर भी सीखने लगे। अक्षय कुमार का जुनून देखकर फोटोग्राफर जयेश ने उनका मुफ्त में एक पोर्टफोलियो बनाया। पोर्टफोलियो की शूटिंग जुहू इलाकों में हुई थी। एक पोज के लिए फोटोग्राफर के कहने पर अक्षय की दीवार पर चढ़ गए। जैसे ही तस्वीर क्लिक हुई तो गार्ड ने उन्हें देख लिया और उन्हें वहां से भगाने लगा। गार्ड ने कहा कि दीवार से दूर हटो, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अक्षय को बुरा लगा और वो वहां से उतर गए। संयोग से ऐसा है कि आज वही दीवार अक्षय कुमार के घर की है। अक्षय ने तस्वीर आज भी संभाल कर रखी है। मॉडलिंग करते हुए अक्षय को एक दिन मुंबई में बैंगलोर जाना था। कोऑर्डिनेटर ने उनसे कहा था कि उनकी अगले दिन 6 बजे की फ्लाइट है। अक्षय कुमार जल्दी उठे और सुबह करीब 5:15 बजे एक्सरसाइज करने लगे। तीन में उनके पास कोऑर्डिनेटर का कॉल आया। वो कॉल पर चिल्ला रहा था। उसने कहा, तुम बेहद अनप्रोफेशनल हो और तुम कभी काम नहीं कर सकोगे। तुम्हारी फ्लाइट 6 बजे थी और तुम आए ही नहीं। अक्षय को उनकी गलती का एहसास हो गया। उन्हें लगा कि फ्लाइट शाम 6 बजे की होगी, लेकिन वो सुबह 6 बजे की थी। अक्षय कॉल पर गिड़गिड़ाए कि वो बाइक से निकल रहे हैं और समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वो तुरंत बाइक से निकले, लेकिन अफसोस उनके पहुंचने से पहले ही फ्लाइट जा चुकी थी। अक्षय उदास होकर घर पहुंचे। दिल बहलाने के लिए वो तैयार होकर शाम को टहलते टहलते नटराज स्टूडियो पहुंच गए। शाम के करीब 5:15 बजे थे कि उन्हें स्टूडियो में मेकअप आर्टिस्ट नरेंद्र दादा मिल गए। नरेंद्र दादा ने उन्हें देखा और पूछा, क्या हीरो बनने आए हो? अक्षय ने कहा, हाँ। कहा तो उन्होंने अक्षय का पोर्टफोलियो लिया और कहा, मैं अंदर दादा को दिखा करा दो। दरअसल नरेंद्र दादा उस समय पॉपुलर प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती की कंपनी के मेकअप आर्टिस्ट थे। प्रोड्यूसर प्रमोद चक्रवर्ती ने तस्वीरें देखने के बाद अक्षय को केबिन में बुलाया। कुछ देर देख कर तस्वीरें देखी और कुछ देर अक्षय को तसल्ली से देखने के बाद प्रमोद चक्रवर्ती ने अक्षय से कहा, तस्वीरें अच्छी हैं, मैं तुम्हारे साथ 3 फिल्में बनाऊंगा, क्या तुम हीरो बनोगे? जाहिर है अक्षय ने हाँ ही कहा था। उन्होंने तुरंत चेक साइन किया और अक्षय के हाथों में थमा दिया। वो चेक 5,001 रुपये का था। ये इत्तेफाक था कि वो उस वक्त शाम के 6 बजे थे और उन्होंने सुबह 6 बजे की फ्लाइट छोड़ी थी। अगर अक्षय वो फ्लाइट ले लेते तो शायद वो हीरो नहीं बनते। 1991 की फिल्म सौगन से अक्षय ने फिल्मों में एंट्री ली और 1992 की मूवी खिलाड़ी से पहचान हासिल की। 1991 की मूवी सौगन से डेब्यू करने के बाद अक्षय ने उसी साल एक और मूवी डांसर की। अगले साल 1992 में उनकी तीन फिल्म खिलाड़ी, मिस्टर बॉन्ड और दीदार रिलीज हुई। आगे उन्होंने 1993 में 5 और 1994 में 11 फिल्में दी। तब से लेकर आज तक अक्षय कुमार सालाना कम से कम 3 से 4 फिल्में देते हैं। 32 साल के करियर में अक्षय कुमार ने 132 फिल्में कर रखी हैं। कहानी एक ऐसे स्टार किड की जिसे उसकी पहली मूवी के बाद से ही चूका हुआ मान लिया गया। रही कसर तब पूरी हो गई जब इस एक्टर को पुलिस ने ड्रग्स खरीदते रंगे हाथों पकड़ लिया। इन्होंने जैसे तैसे करके अगले कुछ सालों तक अपना करियर खींचा, मगर वो टिकट खिड़की का गला काट प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए नाकाफी साबित हुआ। हम बात कर रहे हैं नो एंट्री फेम एक्टर फरदीन खान की। फरदीन खान का जन्म 8 मार्च 1974 को बंबई में हुआ था। इनके पिता फिरोज खान इंडिया के सबसे हैंडसम एक्टर्स और स्टाइलिश फिल्म मेकर्स में गिने जाते थे। फिरोज का बचपन काफ़ी मुश्किल रहा था, क्योंकि जब वो 16 साल के थे तभी उनके पिता की ब्रेन ट्यूमर की वजह से डेथ हो गई थी। 6 भाई बहनों में समेत पूरे घर की जिम्मेदारी अचानक से फिरोज के कंधों पर आ गई। मजबूरन उन्हें पढ़ाई छोड़ घर चलाने के लिए पैसे कमाने निकलना पड़ा। खैर, फिरोज को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे। फरदीन की स्कूली पढ़ाई लिखाई मुंबई के ही जमनाबाई नारसी स्कूल में हुई। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अमेरिका भेज दिया गया। फरदीन ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो फिल्मों में काम करने के लिए इंडिया आ गए। फिल्मों में काम करने के लिए इंडिया आने के बाद तो ठीक था, मगर फरदीन के साथ दो बुनियादी दिक्कतें थीं। पहली,
उन्हें एक्टिंग का बिल्कुल ज्ञान नहीं था। दूसरी, वो काफ़ी वेस्टर्नाइज हो गए थे, हिंदी में बोले तो मामला बहुत ही अंग्रेजीदा हो गया था। एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए तो उन्हें किशोर नमित कपूर के एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल भेजा गया। कहा गया कि बाकी चीज़ें फिल्मों में काम करते करते अपनी ठीक हो जाएंगी। एक्टिंग कोर्स पूरा होने के बाद फिरोज खान ने खुद अपने बेटे को लॉन्च करने का प्लान बनाया। प्रेम अगन नाम की मूवी से फरदीन का एक्टिंग डेब्यू हुआ, मगर ये मूवी टिकट खिड़की पर बुरी तरह पिट गई। दूसरी तरफ इंडस्ट्री फरदीन की जितनी मदद कर सकती थी उन्होंने की। पहली मूवी में औसत परफॉर्मेंस के बावजूद फरदीन खान को बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। राम गोपाल वर्मा अपने दौर के सबसे चर्चित फिल्म मेकर्स में से थे। उनकी फिल्में क्रिटिकली भी सराही जाती थी और टिकट खिड़की पर पैसे भी कमाती थी। रंगीला जैसी सुपरहिट और सत्या जैसी कल फिल्म देने के बाद रामू जंगल नाम की मूवी बनाने जा रहे थे। अपने करियर की दूसरी मूवी में फरदीन खान रामू के साथ पहली बार काम कर रहे थे। मूवी की शूटिंग शुरू हुई, जो सीन सबसे पहले शूट हुआ उसमें फरदीन को जंगल में दौड़ना था। सीन शूट होने के बाद फरदीन रामू के पास पहुंचे और प्रेशर और नर्वसनेस से के मिक्सर भाव से पूछा कि उनका शॉट कैसा था। रामू ने कहा कि दौड़ते हुए आदमी को देखकर कैसे कहा जा सकता है कि वो अच्छा एक्टर है या नहीं। उनका कहने का मतलब था कि अभी दूसरे सीन शूट करिए फिर बताता हूँ। रिलीज के बाद जंगल की तारीफ हुई, मगर मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं कर पाई। मगर रामू को फरदीन का एटीट्यूड ठीक लगा। जिन राम गोपाल वर्मा के अक्खड़ और मुंहफट रवैये से पूरी इंडस्ट्री कांपती थी, वो फरदीन के साथ दो और फिल्में बना रहे थे। पहली मूवी थी रोमांटिक थ्रिलर प्यार तूने क्या किया। राम गोपाल वर्मा के प्रोडक्शन में बनी इस मूवी को रजत मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। प्यार तूने क्या क्या फरदीन खान की करियर की पहली क्लीन हिट मूवी साबित हुई। रामू के प्रोडक्शन में फरदीन को लेकर बनी अगली मूवी थी लव के लिए कुछ भी करेगा। इसे शूल फेम ईश्वर निवास ने डायरेक्ट किया था। इसे इंटरेस्टिंग कॉमेडी मूवी की तरह दिखाया गया था, मगर ये फरदीन के करियर के लिए कुछ खास मददगार साबित नहीं हुई। फरदीन के लिए करियर वाइज सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, उनकी बैक टू बैक फिल्में पिट रही थी, मगर पहली मूवी सफल हुई और फरदीन के लिए आफत आ गई। हुआ ये कि मुंबई में मूवी प्यार तूने क्या क्या की सक्सेस पार्टी चल रही थी। फैमिली के साथ डिनर वगैरह करने के बाद देर रात फरदीन अपनी कार लेकर जुहू साइड निकल गए। वो वहाँ एक पैडलर से ड्रग्स खरीदने लगे, मगर मुलाकात से पहले वो पास के ATM पहुंचे। पैसे निकालने की कोशिश में कार मशीन में फंस गया। 5 मई 2001 की सुबह 3 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फरदीन और उनके पैडलर को ड्रग्स की खरीद फरोख्त करते रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जाता है कि फरदीन उस पैडलर से 1 ग्राम कोकेन ले गए थे, जिसकी कीमत 2500 रुपये थी। उसी के लिए कैश निकालने फरदीन ATM गए और वहीं ये सारा कांड हो गया। NCB उन्हें उठाकर पूछताछ के लिए ले आई। फरदीन से देर रात तक पूछताछ की गई। इस दौरान फरदीन ने ये बात कबूली कि वो नियमित रूप से ड्रग्स लेते थे। जब उनसे इसके पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि वो मूवी बिजनेस में है, रात को सोने में देरी हो जाती है, मगर फिल्मों की शूटिंग के दौरान उन्हें फ्रेश दिखना होता है, इसलिए वो ड्रग्स लेते थे। मार्केट इन अफवाहों से गर्म था कि फरदीन ने फिल्म इंडस्ट्री के 6 और लोगों के नाम बताए हैं जो ड्रग्स लेते हैं, मगर उनकी पूछताछ से जुड़े ऑफिसर्स ने इस खबरों को निर्धारित बताया। पुलिस मुख्यालय इस मामले में की जांच कर रही थी कि फरदीन सिर्फ ड्रग्स यूजर है या वो ड्रग्स को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का भी काम करते हैं, मगर छानबीन के बाद पता चला कि वो महज एक ड्रग यूजर थे। फरदीन के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की जा सकी क्योंकि उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था। उन्हें अस्पताल में डी एडिक्शन कोर्स करवा के छोड़ दिया गया। दिक्कत वाली बात ये थी कि फरदीन का करियर पहले ही रफ्तार नहीं पकड़ रहा था। ऐसे में ड्रग कांड में नाम आना इंडस्ट्री और जनता के बीच उनकी इमेज और ख़राब कर रहा था। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ ये कि फरदीन ने अपनी पहली हिट मूवी की सफलता एंजॉय करने के चक्कर में अपने नाम पर बट्टा लगवा लिया था। साल की सबसे बड़ी मूवी देने के बावजूद फरदीन का करियर बर्बाद कैसे हो गया। फरदीन ने आगे खुशी, ओम जय जगदीश और भूत जैसी फिल्मों में काम किया। इनमें ने भूत इकलौती मूवी रही जो थोड़ी बहुत कमाई कर पाई, मगर इसमें फरदीन का रोल कुछ 15 से 20 मिनट तक रहा होगा। बेटे के करियर को रसतल में जाते देख फिरोज खान दोबारा एक्टिव हुए। उन्होंने जानशीन नाम की एक मूवी प्लान की। ये अपने समय में थोड़ी नई किस्म की मूवी थी। इस मूवी के बाइक रेसिंग सीक्वेंस वगैरह की खूब तारीफ हुई, मगर ये मूवी नहीं चली। जानशीन के ठीक अगले साल बाइक्स के इर्द गिर्द घूमने वाली एक और मूवी रिलीज हुई, इसका नाम था धूम, जिसने इंडिया में बाइक कल्चर को मजबूत बना दिया। 1980 में आई मूवी कुर्बानी की सफलता की खुशी में फिरोज खान ने अपने बेटे की फरदीन को एक बाइक गिफ्ट की थी।
तब फरदीन बच्चे थे, उन्हें बाइक वगैरह चलानी नहीं आती थी। उसी बाइक को फिल्म डांशीन के कई सीक्वेंस में यूज भी किया गया। फिरोज ने उसे एक तरह से फरदीन की लकी शाम की तरह यूज करना चाहा, मगर वो बाइक भी डांशीन को पिटने से नहीं बचा पाई। फरदीन को लगने लगा था कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ तो कमाल नहीं कर पा रही है, तो क्यों ना वो क्रिटिकल ही ऐसे इंजॉय की जाए। इसलिए वो उसी तरह के फिल्म मेकर्स के साथ काम कर रहे थे जिनकी फिल्में ऑडियंस को पसंद आती। उनकी फिल्मोग्राफी में शामिल ऐसी ही एक फिल्म थी देव गोविंद निलहानी डायरेक्टेड। इस मूवी में अमिताभ बच्चन, ओम पुरी और करीना कपूर के साथ फरदीन भी नजर आए थे। अमिताभ बच्चन के स्टार पावर के बावजूद ये मूवी नंबर स्कोर नहीं कर पाई। ढेर सारी असफलताओं के बीच फरदीन के खाते में वो मूवी आई जिसके लिए उन्हें आज और आगे भी याद किया जाएगा। मूवी थी अनीस बाजमी डायरेक्टेड नो एंट्री। सलमान खान और अनिल कपूर के साथ इस मूवी में फरदीन ने भी काम किया। नो एंट्री साल 2005 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बनी, मगर इसके बाद भी फरदीन की फिल्मों के पिटने का सिलसिला जारी रहा। वो आगे प्यार मोहन, हे बेबी, ऑल दी बेस्ट जैसी फिल्मों में नजर आए। फरदीन खान ने 14 दिसंबर 2005 को नताशा माधवानी से शादी कर ली। नताशा मशहूर फिल्म एक्ट्रेस मुमताज की बेटी है। शादी तो हो गई मगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से फरदीन की फैमिली आगे नहीं बढ़ पा रही थी। 2010-11 में फरदीन अपनी पत्नी के साथ लंदन चले गए। उन्हें लगा 2-3 साल में उनका काम हो जाएगा और वापस इंडिया आकर फिल्मों में दोबारा एक्टिव हो जाएंगे। IVF की मदद से फरदीन को एक बेटी पैदा हुई। उसकी देख रेख में समय जाने लगा। इसके कुछ सालों बाद वो एक बेटे के पिता बने। पिता का दायित्व निभाते हुए अपने बच्चों को समय देने के लिए वो लंदन में ही रहे। हालांकि इस दौरान वो रियल इस्टेट बिजनेस में लग गए थे। उनका बिजनेस सही चल रहा था इसलिए फिल्मों में आने की कोई मजबूरी या जल्दी नहीं थी। हालांकि बिजनेस के चक्कर में उन्हें मुंबई आते जाते रहना पड़ता था। फरदीन का ये अनप्लान ब्रेक कब 11 साल लंबा हो गया उन्हें भी नहीं पता चला। फरदीन खान लंबे समय बाद 2016 में वापस मीडिया की नज़रों में आए थे। जब उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आई तो लोग उन्हें ट्रोल करने लगे क्योंकि इन तस्वीरों में फरदीन का वजन बढ़ा हुआ था। पिछले दिनों में दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान फरदीन लंदन में ही फंस गए थे। इस दौरान उन्होंने पूरे 10 महीने लंदन में गुजारे। बकौल फरदीन लंदन में एक साथ लंबा समय उन्होंने इससे पहले कभी नहीं गुजारा था, मगर उन्हें इसका फ़ायदा भी मिला। उन्होंने लॉकडाउन के 6 महीनों में अपना वजन 18 किलो कम किया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन्हें इंडिया में कास्टिंग डायरेक्टर टर्न फिल्ममेकर मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से निकलते स्पॉट किया गया। इन तस्वीरों में फरदीन काफ़ी फिट लग रहे थे। अटकलें लगने लगी कि फरदीन फिल्मों में वापसी करने लगे। ये बात सही साबित हुई। इन दिनों फरदीन संजय गुप्ता के प्रोडक्शन में बन रही विस्फोट में भी काम कर रहे हैं। बिग बुल फेम कुकी गुलाटी डायरेक्टर इस मूवी में फरदीन के साथ रितेश देशमुख और क्रिस्टल डिसूजा भी नजर आने वाले हैं। विस्फोट वेन्यूजुअल फिल्म रॉक पेपर सीजर की ऑफिशियल रीमेक है और 15 अगस्त को तो खेल खेल में आ ही रही है। उसके बाद वो हाउसफुल में भी काम करेंगे। अंतिम प्रज्ञा जायसवाल की बॉलीवुड डेब्यू मूवी थी। खबरों की माने तो प्रज्ञा ने मूवी के लिए एक रोमांटिक गाना भी शूट किया था। बता दें कि प्रज्ञा की बॉलीवुड में भले ही पहली मूवी थी मगर एक्ट्रेस साउथ इंडस्ट्री का पहले से ही एक जाना पहचाना नाम है। प्रज्ञा ने साल 2014 में विराटू आई डेगा से फिल्म दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अब तक कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी हैं। प्रज्ञा को साउथ इंडस्ट्री में अपने काम के लिए कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं। डायरेक्टर क्रिश की मूवी कंट्री के लिए प्रज्ञा को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू साउथ का अवार्ड मिला था। प्रज्ञा जायसवाल ने मॉडलिंग से शुरुआत की थी और फिर फिल्म इंडस्ट्री की रुख की। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई पुणे की सिम्बायोसिस लॉ स्कूल से पूरी की। उन्होंने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान कई ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट भी किया था। वो इस दौरान एक कामयाब मॉडल बनकर उभरी थी। उन्होंने अपने एक्टिंग टैलेंट को भी तभी पहचान लिया था और एक एक्ट्रेस बनने का फैसला किया जो सही साबित हुआ। प्रज्ञा की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। उनके इंस्टाग्राम पर 17 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। प्रज्ञा अक्सर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं। अभी प्रज्ञा अपनी अपकमिंग मूवी को लेकर जोरों शोरों से प्रमोशन कर रही हैं। खेल खेल को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। यो यो हनी सिंह के हॉली हॉली को शामिल करने के बाद फिल्म के एल्बम में खेल खेल में के निर्माताओं ने अब दिलजीत दोसांझ से पर्दा उठा दिया है। पंजाबी डांस नंबर डू यू नो में दिलजीत का ये गाना शामिल है। दिलजीत का ये गाना 2016 में रिलीज हुआ था और अब इसे अक्षय कुमार की फिल्म के लिए फिर से बनाया गया है।
म्यूजिक वीडियो में अक्षय, वाणी कपूर, तापसी पन्नू, फरदीन खान और एमी विर्क सहित अन्य लोग दिलजीत के गाने की बीट्स पर एक नाइट क्लब में डांस करते नजर आ रहे हैं, जिसे तारिश बागची ने रिक्रिएट किया है और रानी ने लिखा है। ये गाना जोशीला है और डिस्को में सबसे ज्यादा बजने वाले गानों में से एक बन जाएगा। हालांकि दिलजीत दोसांझ के प्रशंसक इस बात से नाराज हैं कि गायक जो यूनो में दिखाई नहीं दिए। कई उपयोगकर्ताओं ने गाने की यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं भी शेयर की हैं। एक यूजर ने लिखा, अक्षय कुमार जितना कोई काम नहीं कर सकता। एक अन्य व्यक्ति ने टिप्पणी की कि कड़क। एक टिप्पणी में लिखा था, दिलजीत पाजी कहाँ है। मुदस्सर अजीत निर्देशित मूवी के निर्माता टी सीरीज द्वारा रिलीज किया गया दूसरा गाना डू यू नो है। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मूवी का पहला गाना हॉली हॉली रिलीज किया था और अक्षय और फरदीन को हे बेबी डांस स्टेप दोहराते देख ऑडियंस बहुत ही ज्यादा खुश हुई थी। साल 2005 में एक मूवी आई थी, नाम था नो एंट्री। अनीस बाजमी की इस मूवी में सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान जैसे एक्टर्स थे। कॉमेडी ड्रामा ये मूवी उस वक्त हिट हुई और आगे चलकर कल्ट बन गई। अब खबर है कि मेकर्स अब इसका सीक्वल नो एंट्री 2 बनाने जा रहे, मगर इस बार मेकर्स नए एक्टर्स के साथ इसे बनाने वाले हैं। इन नए एक्टर्स को फरदीन खान ने चेतावनी दे डाली है। बीते दिनों खबरें चल रही थी कि जल्द ही नो एंट्री 2 अनाउंस की जा सकती है, जिसमें न्यू एज एक्टर वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अर्जुन कपूर को कास्ट किया जाएगा। इन एक्टर्स को चेतावनी देते हुए फरदीन ने कहा, नो एंट्री को लेकर कई दिनों से बातें चल रही है। मुझे लगता है कि हम साल 2014-15 से इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सलमान और बोनी कपूर के टच में हूँ और सुन रहा हूँ कि 6 महीने या 8 महीने में काम स्टार्ट होगा। इस मूवी के किरदार को इतना प्यार मिला है तो हम सभी एक्साइटेड हैं सीक्वल में काम करने के लिए। zoom.com से बात करते हुए फरदीन ने नए एक्टर्स को चेतावनी दी और कहा, अनीस बाजमी ने कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है, जब मैंने इसे सुना तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया। हाँ, मुझे अफसोस है कि मैं इस मूवी का हिस्सा नहीं रहूंगा, मगर ठीक है, चलता है कभी कभी। मैं बोनी और नई कास्टिंग को बहुत पसंद करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। ये बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी होगी, बस इसे बेकार तरीके से ना बनाए वरना मैं और अपसेट हो जाऊंगा। मेकर्स का प्लान है कि ओरिजिनल मूवी के 20 साल पूरे होने पर सीक्वल को उतारा जाए। यही वजह है कि मूवी अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड की एक रिपोर्ट के मुताबिक मूवी नो एंट्री में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अर्जुन कपूर का डबल रोल होगा। कुछ महीने पहले ऐसी अफवाहें थी कि मूवी के लिए 10 एक्ट्रेसेस को कास्ट किया गया है। इसमें कृति सानन, कियारा अडवाणी, तृषा पाटनी और रश्मिका मंदाना भी हैं, लेकिन स्क्रिप्ट में काफी बदलाव हो चुके हैं। ऐसे में अनीस फिर से एक्ट्रेसेस की कास्टिंग पर सोचेंगे। इस साल के आखिर तक कास्टिंग हो जाएगी और अगले साल से शूट स्टार्ट होगा। फरदीन खान अपने पिता के डेथ के बाद से एक्टिंग की दुनिया में कदम नहीं रखना चाहते थे। वो बहुत ही मायूस थे, जिस वजह से उन्होंने एक्टिंग को क्विट कर दिया था। फरदीन अब खेल खेल में अपना अलग से कॉमेडी फैक्टर लेकर दिखाने वाले हैं। वैसे बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्मों की जब भी बात होती है तो उसमें अक्षय कुमार की हाउसफुल का जिक्र ज़रूर होता है। इस मूवी ने लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट किया है। वहीं अब ये मूवी 5वें पार्ट को लेकर कई दिनों से चर्चा में बनी हुई है। साल 2010 में प्रदर्शित मूवी हाउसफुल से शुरू हुई हाउसफुल फ्रेंचाइजी अब 5th फिल्म तक पहुंच चुकी है। अक्टूबर में इस मूवी की शूटिंग शुरू होगी। इससे पहले फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला इसकी स्टार कास्ट को बड़ी और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाउसफुल 5 में अक्षय कुमार, चंकी पांडे, रितेश देशमुख के अलावा जहां इस फ्रेंचाइजी की अलग अलग फिल्मों का हिस्सा रह चुके बॉबी देओल और अभिषेक बच्चन की वापसी हो रही है, वहीं इस मूवी में संजय दत्त और नाना पाटेकर जैसे कुछ नए चेहरे भी दिखेंगे। मुंबई जागरण से बात करते हुए अब इस मूवी में हीरा मंडी एक्टर फरदीन खान भी जुड़ेंगे। फरदीन ने इससे पहले साल 2007 में प्रदर्शित मूवी हे बेबी में अक्षय के साथ काम किया था। अब दोनों एक साथ स्वतंत्रता दिवस पर प्रदर्शित होने जा रही मूवी खेल खेल में फिर से साथ नजर आएंगे। हाउसफुल 5 फरदीन और अक्षय की एक साथ 5वीं मूवी होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार मूवी में फरदीन की भूमिका काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाली है। उन्होंने प्रस्ताव मिलने के तुरंत बाद इस भूमिका के लिए हाँ कर दी। इस भूमिका के लिए उनके साथ ही अभिनेता अर्जुन रामपाल से भी संपर्क किया गया है। फरदीन खान ने लंबे समय के बाद निर्देशक संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी दी डायमंड बाजार से मनोरंजन जगत में वापसी की। इस वेब सीरीज में फरदीन का काम काफी
सराहनीय रहा। उससे कुछ साल पहले अभिनेता को ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था, जब उनके शरीर के परिवर्तन ने लोगों को चौंका दिया था। हाल ही में अभिनेता ने इसे लेकर चुप्पी तोड़ी है। फर्दी ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा, मुझे वो अटेंशन पाकर आश्चर्य हुआ, लेकिन जाहिर है आप जल्दी से समझ जाते हैं कि लोग आपको एक अलग तरीके से याद करते हैं। वे मुझे देखकर हैरान थे, मैंने खुद उस तरह से जाने दिया जैसे मैंने किया। हालांकि ये अच्छा नहीं लगता जब आपको किसी मजाक के लिए याद किया जाता है। फर्दी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियों का सामना करना दर्दनाक था। उन्होंने कहा, मेरा मतलब है कि मैं उस समय दुनिया भर में ट्रेंडिंग टॉपिक था और सही कारणों से नहीं। जिस तरह से मैंने इसे निपटा, व्यवसाय से जुड़े होने के कारण आप खुद को कठोर कर लेते हैं, आप खुद को सिखाते हैं या खुद को मजबूत करते हैं कि आप इसे जितना हो सके व्यक्तिगत रूप से ना लें। फर्दी ने कहा कि उस दौर में खुद का ध्यान नहीं रख रहे थे और समझ सकते थे कि लोगों की प्रतिक्रिया ऐसी क्यों होती है, लेकिन वो लोगों की ट्रोलिंग से काफ़ी हैरान थे। उन्होंने बताया कि जब उनकी ट्रोलिंग स्टार्ट हुई तो वो हैरान थे कि लोग किसी और के दुख और निराशा में भी खुशी पाते हैं। फर्दीन की हीरामंदी को स्टार शर्मिन सेगल को भी शो में उनके प्रदर्शन के लिए काफ़ी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था और फर्दीन ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा, हर किसी को किसी के प्रदर्शन को पसंद या नापसंद करने का अधिकार है, लेकिन ट्रोलिंग का ये पूरा पहलू कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। फरदीन खान ने लंबे समय के बाद निर्देशक संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार से मनोरंजन जगत में वापसी की। इस वेब सीरीज में फरदीन का काम काफी सराहनीय रहा है। उन्होंने संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित वेब सीरीज हीरा मंडी में नवाब वली बिनजाद अल मोहम्मद का किरदार निभाया, लेकिन उन्हें वापसी पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उन्होंने ट्रोलिंग से निपटने के अपने दौर को कठिन बताया, साथ ही ये भी बताया कि कैसे उन्हें हीरा मंडी में वली का कैरेक्टर क्यों मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फरदीन खान ने कहा, ये बेहद ही इंटरेस्टिंग घटना थी। मनोरंजन जगत में वापसी वाकई मेरे लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन ये मेरे लिए एक चैलेंजिंग समय था। मनोरंजन की दुनिया आपको हर एक चीज से लड़ना सिखा देती है, क्योंकि काम के लिए आपको कई बार धक्के भी खाने पड़ते हैं। फिर आपको खुद से ये सवाल करना होता है कि खुद को अहम महसूस कराने के लिए आपके लिए दूसरों की राय कितनी मायने रखती है। मेरा मतलब है, मैं कई सालों तक इंडस्ट्री से कटा हुआ था। जब मैं वापस लौटा हूँ तो मुझे उस तरह का ध्यान मिला जिसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। इस सीरीज में फरदीन खान के अभिनय की जमकर तारीफ हुई है। प्रशंसक को उनकी वापसी बेहद पसंद आई और उन्हें उनका काम वेब सीरीज में बेहतर लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंटरव्यू के दौरान फरदीन ने यह भी बताया कि कैसे एक इवेंट में शामिल होने के दौरान उन्होंने सीरीज की कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति महाजन का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने कहा, मुझे एक अवार्ड फंक्शन में श्रुति महाजन ने देखा, जिन्होंने सालों तक मिस्टर भंसाली के साथ मिलकर काम किया है। मुझे नहीं पता था कि वो वहां मौजूद थी या उन्होंने मुझे टीवी पर देखा, लेकिन उन्हें लगा कि मैं वल्ली के किरदार के लिए बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल जब मैं अबू ढाबी से वापस आया तो श्रुति महाजन ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कहा कि वे चाहती हैं कि मैं भंसाली और उनकी टीम से मिलूं। मैं इतने लंबे समय से मूवी से दूर था, इसलिए ये सिर्फ देखना चाहती थी कि क्या मैं वाकई किरदार के लिए सही रहूँगा या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फरदीन खान की आने वाली फिल्मों की बात करें तो वो जल्द ही मूवी खेल खेल में नजर आएंगे। इस मूवी में उनके अलावा अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, अमर कादर तहसील और प्रज्ञा जायसवाल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये मूवी 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। बता दें कि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, विपुल दीक्षा, अश्विन वर्दे, राजेश बहल, शशिकांत सिन्हा और अजय राय द्वारा निर्मित खेल खेल में कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इसके अलावा हीरा मंडी 2 का ऐलान हो चुका है, तो हो सकता है कि एक बार फिर से फरदीन वेब सीरीज में वल्ली के किरदार में नजर आए। फरदीन खान बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता फिरोज खान के बेटे हैं। अपनी लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना कर चुके फरदीन काफ़ी सालों से फिल्मों से दूर रहे। फरदीन खान ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत प्रेम अगन से की थी। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई, लेकिन उन्हें अपने पिता की तरह सफलता नहीं मिली। फिल्मों से दूर होने के बाद भी फरदीन खान करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। शुरुआत में फरदीन खान की कमाई का मुख्य जरिया फिल्में और एडवर्टाइजमेंट थी, लेकिन फिल्मों से दूर होने के बाद उन्होंने साल 2012 में गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के साथ 100 करोड़ की एक बहुत बड़ी डील की। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरदीन खान की टोटल नेटवर्थ 290 crore रुपये से भी ज़्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फरदीन के पास बेंगलुरु में 100 बीघा ज़मीन के साथ एक आलिशान फार्म हाउस भी है। उनके फार्म हाउस पर बहुत ही घोड़े भी हैं, जहाँ पर फरदीन अपने हॉर्स राइडिंग के शौक को पूरा करते हैं। बात फरदीन खान के कार कलेक्शन की करें तो उनके पास BMW के साथ मर्सिडीज़ बेंज मौजूद है।
इसके साथ फरदीन खान के पास मुंबई में करोड़ों की कीमत का शानदार घर भी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में बात करते हुए फरदीन खान ने खुलकर बताया कि उन्हें अपने दिवंगत पिता फिरोज खान की बहुत याद आती है। उन्होंने कहा, अपने बचपन को याद करते हुए स्वीकार किया कि पहले वो अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा व्यक्त नहीं करते थे। हालांकि खुद पिता बनने के बाद उनमें बदलाव आया है। आगे जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपने दिवंगत पिता फिरोज खान की याद आती है, तो फरदीन ने कहा कि माता पिता के जाने से जो खालीपन आता है उसे कोई नहीं भर सकता। वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या फिरोज खान अपनी भावनाओं को अभिनेता के सामने व्यक्त करते थे, तो फरदीन ने हंसते हुए कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने बताया कि उनके पिता हर किसी को बताते थे कि वो उनसे कितना प्यार करते, लेकिन शायद ही कभी सीधे तौर पर उनसे ये व्यक्त करते थे। हो सकता है कि बाद के साल में वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो गए हों, लेकिन वो आम तौर पर बहुत ही संकोची थे। फरदीन खान ने यह भी बताया कि वो अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते थे। फरदीन ने आगे ये बताया कि हर कीमत पर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए फिरोज खड़े रहते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे। फरदीन ने कहा कि उनकी माँ ने इसकी भरपाई की और उनके साथ उनका एक खूबसूरत रिश्ता भी है। हाल ही में वेब सीरीज हीरा मंडी आई जो खूब चर्चा में रही। इस सीरीज में फरदीन खान कई सालों के बाद एक्टिंग करते नजर आए। अब उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी वापसी कर ली है और इसी महीने की 15 तारीख को उनकी मूवी खेल खेल में रिलीज होने वाली है। फरदीन खान के पिता फिरोज खान इंडस्ट्री के फेमस एक्टर थे और उनकी सास यानी मदर इन लॉ भी सेवेंटीज की हाई पेड एक्ट्रेस में से रही है। उस एक्ट्रेस का नाम मुमताज है जो अब 77 साल की हो गई है। मुमताज ने 60s और 70s में ढेरों सुपरहिट फिल्में की हैं। वहीं 80s के दशक में भी मुमताज ने कुछ फिल्में की। अपने दौर में मुमताज टॉप की एक्ट्रेस रही थी जिन्होंने राजेश खन्ना और दारा सिंह के साथ सबसे ज़्यादा हिट फिल्में की। मुमताज ने साल 1974 में बिजनेसमैन मयूर माधवानी के साथ शादी की थी। इनसे उन्हें दो बेटियां हुई जिनमें से एक नताशा माधवानी है जिन्होंने साल 2005 में फिरोज खान के बेटे फरदीन खान से शादी की थी। फरदीन नताशा के दो बच्चे हैं और आज भी वो हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं। 54 साल की उम्र में मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और काफ़ी इलाज के बाद वो इससे ठीक भी हो गई। मुमताज अभी भी फिट एंड फाइन है। 11 साल की उम्र में मुमताज ने पहली मूवी लाजवंती से डेब्यू किया था। इसके बाद सोने की चिड़िया, स्त्री और सहरा जैसी फिल्मों में छोटे मोटे रोल की। वहीं साल 1963 में उनकी मूवी फौलाद आई और साल 1966 में आई डाकू मंगल सिंह ने उनका करियर बना दिया। इसके बाद उन्होंने लगभग 200 फिल्में की जिनमें से सबसे ज्यादा फिल्में दारा सिंह के साथ की। दारा सिंह के साथ 16 फिल्में की जिनमें से 10 सुपरहिट रहीं। वहीं राजेश खन्ना के साथ 9 फिल्में की जिनमें से 7 फिल्में हिट रहीं। आज के दौर में भी जब हीरोइंस को हीरोज़ के मुकाबले मामूली फीस मिलती है, करीब 50 बरस पहले मुमताज उन चंद एक्ट्रेस में थी जिन्होंने एक एक मूवी में काम करने के लिए 10 लाख रुपये तक लिए। ये उन दिनों की बहुत ही ज़्यादा बड़ी रकम हुआ करती थी। उसमें भी खास बात यह है कि उन फिल्मों में उन्हें बहुत सारी रेट्स नहीं देनी पड़ती थी, मतलब छोटे से रोल्स के लिए वे ये रकम लेती थी। यहाँ तक कि सुपरस्टारम पाने से पहले भी उनकी फीस बहुत ज़्यादा थी। वे चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में आ गई थी। जब वे 15 साल की थी तब दारा सिंह के साथ फीमेल लीड के तौर पर मूवी फौलाद उन्हें कास्ट किया गया। ये उनका पहला बड़ा ब्रेक था। आगे चलकर उन्होंने दारा सिंह के साथ कुल 16 फिल्में की। हालांकि उनकी फिल्में ऑडियंस के बीच हिट थी, लेकिन उन्हें मूवी इंडस्ट्री वाले बी ग्रेड टाइप मानते थे। हालांकि ऐसा नहीं था। इन फिल्मों में जहां दारा सिंह की फीस करीब 4.5 लाख होती थी, वहीं पूरी मूवी में उनके सीन होते थे, वहीं कुछ सीन करने के लिए मुमताज को 2.5 लाख रुपए दिए जाते थे। ये तब उस अनुपात में बहुत बड़ी रकम थी। मुमताज की फिल्में देखकर बड़े हुए शाहरुख उनके दीवाने थे। वे एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो स्क्रीन पर आती तो आंखें ठिठक जाती थी। इस क्रश के बारे में उन्होंने सुपरस्टार बनने के बाद खुलेआम कहा। जब मुमताज को इस बारे में पता चला तो वे खुद सरप्राइज हो गई थी। एक इवेंट में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने शाहरुख आए थे। उन्होंने कहा कि वे उनके बहुत बड़े दीवाने हैं और गौरी के अलावा वे अकेली ऐसी एक्ट्रेस है जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं। इस पर मुमताज का कहना था कि जो शाहरुख खान को पूरी दुनिया प्यार करती है, उनका ये बोलना उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। राजेश खन्ना और मुमताज, इन दोनों की मुलाकात मूवी दो रास्ते यानी 1969 के सेट पर हुई थी जिसे राज खोसला ने डायरेक्ट किया था। खन्ना ने इसमें बलराज साहनी के कैरेक्टर नवेदू के बेरोजगार कैरेक्टर को निभाया था।
जिससे रईस रीना यानी मुमताज को प्यार हो रहा था। ये मूवी एक फैमिली ड्रामा थी। इस फिल्म के बाद से दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने कई हिट साथ में दी, जय जय शिव शंकर और बिंदिया चमके की, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर जैसे गानों में इन दोनों की जोड़ी को बहुत याद किया जाता है। मुमताज ने याद किया कि राजेश खन्ना अपने दोस्तों को लेकर बहुत चूजी थे, लेकिन वे उनके करीबी दोस्त हो गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ पड़ोसी बन गए थे। वे मुमताज को मजाक में अहमोटी धरा कहकर भी बुलाते थे, वही वो फीमेल फैन फॉलोइंग को लेकर उन्हें चढ़ाते थे। राजेश डांस के मामले में कचरे थे। इन दोनों के जितने भी हिट गाने रहे थे उनमें दोनों के साथ वाले शॉट्स में जहां राजेश फिसलते थे और कमजोर पड़ते थे, वहां मुमताज अपनी परफॉर्मेंस उसे संभाल लिया करती थी। वहां डांस मास्टर राजेश खन्ना की कमजोरी दिखाने के बजाय उनके क्लोज अप शॉट लेकर गाना पूरा शूट करते थे। ऐसी ही दिक्कत राज खोसला की फिल्म प्रेम कहानी 1975 में चल दरिया में डूब जाए गाना फिल्माते समय हुई थी। मुमताज ने बताया कि उन्होंने जैसे तैसे वो गाना संभाल लिया था। तब के दौर में अभिनेत्रियों ने शत्रुता की चर्चाएं होती थी, हर किसी को नंबर एक के स्थान पर स्थापित होना और बने रहना था। खुद मुमताज का मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री जैसी जगह में जहां अपना बेस्ट लोगों के साथ काम करने के मौके पर अपने हाथ से नहीं निकलने देना चाहते हो, वहां एक हद तक जोड़ ताल चलता था। किसी दूसरी एक्ट्रेस को रोल नहीं मिले इसलिए मुमताज अपनी फीस तक घटा देती थी और रोल ले लेती थी। वो अपनी साथी एक्ट्रेसेस को लेकर ज़्यादा असुरक्षित भी थी। जैसे रेखा को लेकर उनका कहना था कि जब से सुपरस्टार थी तब रेखा नई नई ही आई थी और उसे अच्छा से नाचने नहीं आता था। हालांकि वीरांस के मामले में सिर्फ हेमा मालिनी को अपनी कॉम्पिटिशन बता दी थी। शर्मिला टैगोर ने उनकी शत्रुता के चर्चे खास हैं क्योंकि दोनों में तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्में की थी और एक किस्म की तुलना बनी रहती थी। मुमताज तो ये भी कहती हैं कि उनके और शर्मिला के बीच फर्क ये है कि शर्मिला ने राजेश खन्ना के साथ फ्लॉप फिल्में दी और उन्होंने एक भी नहीं। उनका कहना है कि कोई एक्ट्रेस भले ही वो शर्मिला ही क्यों ना हो, उनके लिए खतरा नहीं बन सकती थी। जब उन्होंने फिल्में छोड़ी तब राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी टॉप पर थी। मुमताज ने खुद माना है कि उनके और शमी के बीच प्रेम संबंध थे। कुछ अन्य एक्टर्स और उनके बीच भी आकर्षण था। जब वे 18 बरस की थी तब उन्हें शमी कपूर से प्यार हो गया था। फिल्म ब्रह्मचारी जो 1968 में हुई थी उसकी शूटिंग के दौरान ये परवान चढ़ा। तब शम्मी ने उन्हें प्रस्ताव दिया कि वो फिल्मों में काम करना छोड़कर उनके साथ घर बसा ले, लेकिन मुमताज नहीं मानी। उसके अलावा जितेंद्र से भी उनके प्यार का चर्चा चला, डायरेक्टर यश चोपड़ा से भी उनका अफेयर बताया जाता है। जब यशराज नए नए डायरेक्टर बने थे, अपनी मूवी आदमी और इंसान में उन्होंने मुमताज को लिया था। दोनों के प्रेम के काफ़ी चर्चे थे, इतने कि जब यशराज पामेला से शादी करने जा रहे थे तो उनके दोस्त रामेश से पामेला ने पूछा भी कि उस हीरोइन मुमताज और यश के बीच क्या चल रहा है। रोमेश ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। हालांकि एक इंटरव्यू में पामेला ने कहा कि रोमेश ने ऐसा कहा ज़रूर, लेकिन ये सच नहीं था। लेकिन इनमें से कोई भी अफेयर मुकाम तक नहीं पहुंचा। इसकी वजह थी कि मुमताज फिल्मों से पैसा कमाने और अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने में डूबी थी। बूंद जो बन गई मोती बनने के दौरान उनकी मां गुजर गई, उसके बाद परिवार का बोझ उन्हीं पर था। सुबह 4 बज के उठकर 9 बजे तक वे काम करती थी। मुमताज के मुताबिक, मैं लगी थी कि पुरुष यानी को स्टार्स मुझसे शादी करना चाहते थे। हाँ, एक आकर्षण था, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ी। मेरी जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा थी कि अफेयर्स के लिए टाइम नहीं था। मुमताज पहली बार देवानंद से उनकी मूवी तेरे मेरे सपने के सेट पर 1970 में मिली थी। मूवी के पहले स्केड्यूल के बाद ही देव ने अपनी अगली मूवी हरे राम हरे कृष्णा में भी उन्हें कास्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने कैसे साइन किया ये रोचक है। खुद मुमताज बताती हैं कि उन दिनों में एक एक्टर के साथ 7 फिल्में ही साइन कर सकता था। जब 7वीं मूवी पूरी हो जाती तो उसके बाद ही वो 8वीं साइन कर सकता था। जब हरे रामा हरे कृष्णा की प्लानिंग हो रही थी तब मुमताज पहले से 7 फिल्में साइन करके बैठी हुई थी, लेकिन देवानंद बड़े मजबूत इरादों वाले आदमी थे, उन्हें कोई हिला नहीं सकता था। उन्होंने तय कर लिया था कि मुमताज उनकी मूवी करेंगी तो वही करेंगी। वे सबसे लड़े और इंडस्ट्री के लोगों के विरोध के बावजूद उनके सामने पुलिस प्रोडक्शन में मुमताज को अपनी मूवी के स्केड्यूल के लिए काठमांडू ले गए। वहां जाकर पूरे 40 दिन लगाकर तसल्ली से शूटिंग पूरी की। सुष्मिता सेन खेल खेल में फिल्म के निर्देशक मुदस्सर अजीज के साथ कुछ समय तक रिश्ते में रहे। उस वक्त मुदस्सर अक्सर सुष्मिता के अपार्टमेंट में आते जाते वक्त स्पॉट किए जाते थे। अब पहली बार मुदस्सर ने अपने ब्रेकअप पर मीडिया से बात की। डीएनए को एक इंटरव्यू में मुदस्सर ने कहा कि जब लोग मुझसे कहते थे कि तुम्हारा और सुष्मिता का रिश्ता टूट गया तो मैं कोई रिएक्शन नहीं देता था। हाँ, लेकिन इस तरह की खबरों से मेरे माता पिता परेशान हो गए थे। मुदस्सर आगे कहते हैं कि मैं एक मध्य वर्गीय परिवार से हूँ यानी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और आप जानते ही होंगे कि हमारे परिवारों में
माता पिता कितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जब वो अपने बच्चे के रिलेशनशिप की खबरें अखबारों में पढ़ते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं। इस वजह से मेरे माता पिता के साथ रिश्ते बिगड़ने लगे थे। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इस पर कैसे रिएक्शन दे। मुदस्सर ने सुष्मिता के बारे में बताया कि सुष्मिता एक बेहतरीन इंसान है। उन्होंने जिंदगी अपनी शर्तों पर जी है। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। जो वो आज जहां पर भी हैं, जिस मुकाम पर भी हैं, मैं उसकी इज्जत करता हूं। जब मुदस्सर से पूछा गया कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ तो उन्होंने कहा कि जब आप किसी को सिर्फ उसके बाहरी रूप से जानते हैं तो आप उस शख्स के लिए एक इमेज बना लेते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उसे जाने लगते हैं तो कई अलग चीजें उभर कर सामने आती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है और मैं फिल्म मेकिंग पर ध्यान देना चाहता हूँ। बता दें कि दोनों का ब्रेकअप साल 2010 में हो गया था। मुदस्सर अजीज बाद में हुमा कुरैशी को भी डेट किए थे। आइए इनका भी किस्सा जानते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी और उनके बॉयफ्रेंड मुदस्सर अजीज का ब्रेकअप हो गया। दोनों लगभग 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि अभी तक दोनों के ब्रेकअप के पीछे का कारण सामने नहीं आया। हुमा कुरैशी से पहले मुदस्सर अजीज का नाम तो बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सुष्मिता सेन से जुड़ ही चुका था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे थे। कपल से जुड़े एक सूत्र ने ई टाइम से बात करते हुए कहा, हुमा कुरैशी और मुदस्सर अजीज ने एक दूसरे के अलग होने का फैसला ले लिया है। दोनों अलग होने के बाद भी एक साथ फिल्मों को प्रोड्यूस करेंगे। दोनों के बीच चीजें एक अच्छे नोट पर खत्म हुई है। रिलेशनशिप खत्म होने के बाद हुमा और मुदस्सर अच्छे दोस्त बने रहेंगे। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी लव लाइफ को खत्म क्यों किया है। सूत्र ने आगे ये भी बताया कि हुमा और मुदस्सर ने एक दूसरे से चीजें सही ना होने की वजह से अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। दोनों मैच्योर हैं और उन्हें पता है कि लाइफ में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली स्टार तापसी पन्नू का 1 अगस्त को बर्थडे होता है। तापसी ने कम समय में ही बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बना ली है। एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज सभी को खूब पसंद आता है। तापसी पन्नू के बहुत कम फैंस उनके निकनेम को जानते हैं। घर में तापसी को प्यार से मैगी कहकर बुलाते हैं क्योंकि तापसी के बाल बचपन से ही काफी कर्ली हैं। आज हम बात करेंगे उनकी बॉलीवुड एंट्री से लेकर उनके निकनेम तक, जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। बचपन में तापसी पढ़ने में काफी होशियार थी और 12th उन्होंने 90% मार्क्स से पास किए। 12th के बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने का फैसला लिया और गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। लेकिन इंजीनियरिंग करने के बाद उनका मन डोल गया और उन्होंने मॉडलिंग की तरफ करियर बनाने का विचार किया। साल 2008 चैनल वी के टैलेंट हंट शो गेट गॉर्जियस में तापसी ने ऑडिशन दिया और इसमें वो सिलेक्ट भी हो गई। तापसी ने इसी साल फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया था। 2 साल तक उन्होंने मॉडलिंग की और इस दौरान रिलायंस ट्रेंड्स, रेड FM, कोका कोला, मोटोरोला, पैंटालून जैसे कई बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया। तापसी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साउथ की फिल्मों से की थी। उन्होंने हिंदी से पहले तेलुगु, तमिल और मलयालम तीनों भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। उनकी डेब्यू मूवी 2010 में रिलीज हुई तेलुगु मूवी झुमांदी नादम थी। बॉलीवुड में डेब्यू से पहले तापसी ने लगभग 10 से 12 साउथ की फिल्मों में काम किया था। बॉलीवुड में तापसी ने 2013 में मूवी चश्मे बद्दूर से डेब्यू किया था। साल 2013 में आई मूवी बेबी में तापसी ने सीक्रेट एजेंट शबाना का कैरेक्टर निभाया था। इस रोल में तापसी को बहुत प्यार मिला था। इसके बाद तापसी ने धीरे धीरे बॉलीवुड में धाक जमानी स्टार्ट कर दी। मूवी पिंक, नाम शबाना, जुड़वा तू, मुल्क, मनमर्जियां, बदला, मिशन मंगल, थप्पड़, हसीन दिलरुबा और रश्मि रॉकेट जैसे कई फिल्मों में वो नजर आ चुकी हैं। तापसी पन्नू बॉक्स ऑफिस की क्वीन है। वो इस महीने डबल रिलीज के लिए भी रेडी हैं। उनकी मूवी फिर आई हसीन दिलरुबा का सीक्वल 9 अगस्त को रिलीज हो गया है, जबकि कॉमेडी मूवी खेल खेल में 15 अगस्त को दस्तक देने के लिए तैयार है। कहना गलत नहीं होगा कि अगस्त तापसी का महीना है। मूवी फिर आई हसीन दिलरुबा का प्रमोशन कर रही एक्ट्रेस प्रमोशनल इवेंट के लिए दिल्ली में रुकी, जहां उनके पिता लंच में सबके लिए छोले भटूरे लेकर आए। फिर आई हसीन दिलरुबा के प्रमोशन से जुड़े नजदीकी सूत्र ने बताया, तापसी के पिता फिर आई हसीन दिलरुबा के प्रमोशन के दौरान सभी के लिए छोले भटूरे लेकर आए थे। सूत्र ने यह भी बताया कि ये एक बार की बात नहीं बल्कि एक रस्म है जिसे तापसी दिल्ली में अपने सभी प्रमोशन के दौरान निभाती है।
एक सूत्र ने आगे ये भी कहा, इसके अलावा जब भी वो दिल्ली में अपनी किसी मूवी के प्रमोशन के लिए आती हैं, तो अपने पिता से अपने घर के पास की जगह से छोले भटूरे लाने के लिए कहती हैं। ये कुछ ऐसा है जो हर बार वो करती हैं। तापसी को खाना बहुत पसंद है। उन्हें अपने बिजी वर्क शेड्यूल के बीच जब भी मौका मिलता है अपने पसंदीदार डिशेस को एंजॉय करती हैं। ओलंपिक 2024 के लिए पेरिस की अपनी हालिया ट्रिप के दौरान तापसी को खूबसूरत साड़ियों में घूमते और एंजॉय करते देखा गया और दूसरे लोकल खानों की चीज़ों को एंजॉय करते देखा गया। तापसी की फिर आई हसीन दिलरुबा 2021 की मूवी हसीन दिलरुबा की सीक्वल है, जो कुछ ओटीटी फिल्मों में से एक है जिसका सीक्वल बनाया जा रहा है। अगस्त, फिर आई हसीन दिलरुबा और खेल खेल में की रिलीज के साथ तापसी का महीना बनने जा रहा है। अक्षय कुमार को हाल ही में फोर्ब्स ने इस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टाइटल भारत सेलिब्रिटी का खिताब दिया है। वे दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं। अक्षय अपनी सफलता का श्रेय अपनी कॉमेडी फिल्मों को देते हैं। एक टाइटल एक्शन स्टार होने के बाद उन्होंने साल 2000 से कॉमेडी करना स्टार्ट किया और काफी फायदा उठाया। आइए आज बात करेंगे अक्षय कुमार की कुछ कॉमेडी फिल्मों के बारे में। अक्षय कुमार की हेरा फेरी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। ये कॉमेडी एक गलत नंबर का उत्तर दिए जाने के इर्द गिर्द घूमती है, जो सभी प्रकार की गलत फहमी की ओर ले जाती है। बाबू भैया यानी परेश रावल एक दयालु गैराज मालिक है, जिसके दो किराएदार हैं राजू अक्षय कुमार, और जो हर समय अमीर बनने की योजनाओं में लिप्त रहता है, और श्याम यानी सुनील शेट्टी, जो अपने मृत पिता के स्थान पर नौकरी पाने के लिए शहर आया है। एक दिन कबीरा यानी गुलशन ग्रोवर स्टार फिशरिज के मालिक श्रीदेवी प्रसाद को फिरौती के लिए कॉल करता है। हालांकि कॉल बाबू भैया से जुड़ जाता है। कबीरा सूचित करता है कि उसकी पोती रिंकू का अपहरण कर लिया गया है और फिरौती मांगता है। जब राजू को ये बात पता चलता है तो वो कबीरा बनकर देवी प्रसाद को फोन करता है और उससे भी बड़ी रकम मांगता है। इससे वो सभी तरह की उथल पुथल में पड़ जाते हैं, लेकिन अंत में वे शुक्र है कि रिंकू को बचा लेते हैं और इस प्रक्रिया में भी अमीर बन जाते हैं। मुझसे शादी करोगी 2004 में आई थी। समीर मल्होत्रा यानी सलमान खान को गुस्से पर काबू पाने की समस्या है, इस वजह से वो लगातार परेशानी में पड़ा रहता है। वो कर्नल जुगराज सिंह यानी ओमपुरी के साथ अपने रिलेशंस को ख़राब कर लेता है, जो रानी सिंह यानी प्रियंका चोपड़ा के पिता हैं, जिस महिला से वो प्यार करता है। इस लेवल पर सनी अक्षय कुमार की एंट्री होती है। वो भी रानी को पसंद करता है और समीर की हालत का फ़ायदा उठाते हुए जानबूझकर ऐसे जाल बिछाता है जिससे उसे गलत रोशनी में दिखाया जाता है। सनी अपने अच्छे व्यवहार से सभी का दिल जीत लेता है, जबकि समीर सभी की नज़रों में गिर जाता है। बाद में पता चलता है कि सनी असल में समीर का बचपन का दोस्त अरुण है, जिसने अपने दोस्त को गुस्से की समस्या से निजात दिलाने के लिए हर संभव कोशिश की। गरम मसाला, ये प्रियदर्शन की मलयालम मूवी बोइंग बोइंग की रीमेक है। अक्षय और जॉन फोटोग्राफर की भूमिका निभाते हैं, जो हमेशा एक दूसरे को नीचा दिखाने की तलाश में रहते हैं। जॉन की अनुपस्थिति में अक्षय तीन लड़कियों में से एक के साथ सगाई कर लेते हैं। जब जॉन वापस लौटता है तो पहले तो वो ईर्ष्या से ग्रस्त होता है, लेकिन बाद में अपने दोस्त को तीनों महिलाओं को अलग रखने में मदद करने की कोशिश करता है और उनके साथ रोमांटिक रूप से उलझ जाता है। जब माँ की असली मंगेतर मिलने आती है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। दोनों दोस्त कैसे सिचुएशन को शांत करते हैं, यही कहानी का सार है। इस घटिया कॉमेडी में जॉन का सामना अक्षय कुमार से हॉट बॉडी के मामले में हुआ था। हेरा फेरी, नीरज वोरा ने प्रियदर्शन से निर्देशन की बागडोर संभाली और बिपाशा बसु और रिमी सेन इस मूवी की हीरोइन थी। केंद्र कथानक हॉलीवुड फिल्म लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल से प्रेरित है। राजू को अनुराधा यानी बिपाशा बसु द्वारा धोखा दिया जाता है ताकि वो अपना पैसा 21 दिन में पैसा दोगुना करने की योजना में निवेश करे। ये बाबू भैया और श्याम को भी इसमें निवेश करने के लिए मना ही लेता है। वे इसके लिए अपना आलिशान बंगला भी बेच देते हैं। वे छोटे से गुंडे पप्पू यानी राजपाल यादव से योजना के लिए 20 लाख रुपए का योगदान करने के लिए भी कहता है। पप्पू का बॉस तिवारी यानी शरद सक्सेना उनसे कहता है कि जब वो जल्द ही पैसे दे, उन्हें ड्रग्स की एक खेप मिलती है और वे बिचौलिए कचरा सेठ के पास जाते हैं, जो अनजाने में इसे उन माफिया लोगों को बेचने की व्यवस्था करता है जिनके लिए ड्रग्स थे। पूरी कहानी एक सर्कस में समाप्त होती है, जहां राजू श्याम और बाबू भैया करोड़ों की कीमत की तीन प्राचीन बंदूकें लेकर भाग जाते हैं। मूवी ठीक उसी समय समाप्त होती है जब राजू बंदूकों को नदी में फेंकने के लिए तैयार होता है।
भूल भुलैया एक थ्रिलर कॉमेडी 1993 की मलयालम मूवी मनी चित्रान थुजू की रीमेक है। सिद्धार्थ और अवनी यानी विद्या बालन बद्री के बड़े भाई बेटे और बहू अमेरिका से अपने गांव लौटते हैं, अपने पुश्तैनी महल में रहने का फैसला भी करते हैं। बद्री इसके खिलाफ है क्योंकि कहा जाता है कि महल भूतिया है। बद्री को जिसका डर था वही होता है। अवनी पर बंगाली शास्त्रीय मोंजुलिका की आत्मा का कब्जा हो जाता है। सिद्धार्थ अपने दोस्त डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव यानी अक्षय कुमार को न्यूयॉर्क से बुलाता है ताकि चीजें सुलझाई जा सके। डॉक्टर आदित्य को शुरुआत में लगता है कि सिद्धार्थ की बचपन की प्रेमिका राधा है, लेकिन बाद में एक ये नाटक में राधा शामिल हो जाती है जिससे सारी समस्या का समाधान होता है। वेलकम डॉक्टर घुंघरू यानी परेश रावल अपने भतीजे राजीव कुमार यानी अक्षय कुमार की शादी एक अच्छे परिवार की अच्छी लड़की से करना चाहता है। माफिया डॉन उदय नाना पाटेकर और मजनू यानी अनिल कपूर उसे ये सोचने के लिए धोखा देते हैं कि वे कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं क्योंकि वे भी अपनी बहन संजना यानी कैटरीना कैफ की शादी एक ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखता हो। राजीव और संजना मिलते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जब घुंघरू को इस छल के बारे में पता चलता है तो सब बिगड़ जाता है। वो शादी तोड़ने के लिए अपनी भतीजी इशिका को राजीव की प्रेमिका के रूप में भेजता है, लेकिन उदय और मजनू दोनों इशिका से प्रेम कर बैठते हैं। हालांकि एक और माफिया डॉन आरएक्स और उसका बेटा लकी भी इस पागलपन में उलझ जाते हैं। मूवी एक मजेदार क्लाइमेक्स के साथ समाप्त होती है जो चार्ली चैप्लिन की फिल्म दी गोल्ड रश 1995 में जो आई थी उससे इंस्पायर है, जहां सभी पार्टियां एक चट्टान की ओर मुख किए हुए घर में फंस जाती है जो ढहने लगता है। Sing his king. हैप्पी सिंह यानी अक्षय कुमार को उसके दोस्त रंगीला ओम पुरी के साथ लकी यानी सोनू सूद को वापस पंजाब लाने के लिए भेजा जाता है। हालांकि उसके टिकट पुनित यानी रणवीर शौरी के टिकट से मिल जाते हैं और वो मिस्र चला जाता है जहां उसकी मुलाकात सोनिया से होती है और उसे प्यार करने लगता है। अल्टीमेटली वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि लकी ऑस्ट्रेलियाई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह है। हैप्पी द्वारा बनाए गए हालातों के कारण लकी लकवाग्रस्त हो जाता है और किसी तरह हैप्पी को उसकी गद्दी मिल जाती है। हैप्पी लकी के गिरोह को एक परेशान महिला किरण खेर की मदद करने के लिए कहता है जो सोनिया की माँ होती है। धीरे धीरे गिरोह में सुधार होता है, हालांकि आखिरी समय में उसे लकी ने रोक दिया जो अपने पक्षाघात से ठीक हो गया है। लकी इस बात से सहमत है कि वो गलत तरीके से जिंदगी जी रहा है और खुद को सुधारने का वादा करता है और मूवी सभी के लिए एक खुशनुमा नोट पर समाप्त होती है। देसी बॉयज ये रोहित धवन के निर्देशन में बनी पहली मूवी थी। जिग्नेश जेडी पटेल यानी अक्षय कुमार और निक माथुर जॉन अब्राहम लंदन में एक साथ रहते हैं। जेडी जीविका के लिए अजीबोगरीब काम करता है जबकि निक एक अच्छी कॉर्पोरेट नौकरी करता है। मंदी के कारण दोनों खुद को बेरोजगार पाते हैं। जेडी अपने भतीजे की देखभाल करना चाहता है जिसने अपने माता पिता को खो दिया है और निक अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता है और उसे एक अच्छा जीवन भी देना चाहता है। उस लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए दोनों एक पुरुष एस्कॉर्ट में सेवा में शामिल हो जाते हैं और बेहद लोकप्रिय हो जाते हैं। हालांकि निक की प्रेमिका उसे छोड़ देती है जब उसे पता चलता है कि वो एक एस्कॉर्ट है और यहाँ तक कि जेडी अपने भतीजे की कस्टडी खोने की कगार पर है। दोनों जो शुरू में अलग हो गए थे। जॉली एलएलबी अक्षय कुमार एक छोटे शहर के वकील की भूमिका निभाते हैं जो अपराध बोध से ग्रस्त होकर पुलिस द्वारा किए गए झूठे एनकाउंटर से जुड़ा एक केस अपने हाथ में ले लेता है। अपने पहले कभी कोई केस नहीं किया, कोर्टरूम की कार्यवाही के बारे में उसका ज्ञान बहुत कम है और वो शहर के सबसे अच्छे बचाव पक्ष के वकीलों में से एक के खिलाफ है, लेकिन उसकी दृढ़ता रंग लाती है और वो न केवल पुलिस की गैर कानूनी गतिविधियों को उजागर करता है बल्कि असली अपराधी को भी पकड़ लेता है। पुलिस द्वारा किए गए फर्जी एनकाउंटर वास्तव में हमारे देश की एक दुखद सच्चाई है। ऐसे कठोर विषय पर एक साहसिक संवेदनशील मूवी बनाने के लिए निर्देशन सुभाष कपूर को सलाम। हालांकि मूवी को एक हास्यपूर्ण उपचार दिया गया है, लेकिन इसके इरादे कुछ और ही हैं। मूवी जो कहने की कोशिश कर रही है वो ये है कि संवेदनशील मामलों में पुलिस को क्लीन चिट देना एक तरह की प्रथा बन गई है। न्यायपालिका उन चीजों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती है जहां आतंकवादियों की न्यायतर हत्याएं शामिल होती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जाना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई करते समय किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचे। पुलिस को अपने अधिकार का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और ना ही तथ्यों को गलत साबित करना चाहिए। अक्षय कुमार एक अनुभवहीन वकील की भूमिका पूरी तरह न्याय करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें साहस की कमी नहीं है। अनु कपूर के वन लाइनर आपको हंसाते रहते हैं और सौरव शुक्ला भी जज के रूप में बेहतरीन फॉर्म में है।
गुड न्यूज गर्भ अवस्था के इर्द गिर्द घूमती कॉमेडी है वरुण बत्रा और दीप्ति बत्रा यानी करीना कपूर और अक्षय कुमार मुंबई के एक शहरी उच्च मध्यम वर्गीय जोड़े हैं जो गर्भवती होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हनी बत्रा यानी दलजीत दोसांझ और मोनिका बत्रा यानी कियारा आडवाणी चंडीगढ़ के एक और अमीर जोड़े हैं जो बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वे दोनों डॉक्टर जोशी और उनकी पत्नी द्वारा संचालित एक उच्च श्रेणी के IVF क्लिनिक में पहुंचते हैं। उनके नामों में समानता के कारण क्लिनिक में गड़बड़ी हो जाती है और दीप्ति को हनी के शुक्राणु से और इसके विपरीत दीप्ति को हनी के शुक्राणु से इंक्यूबेट किया जाता है। मुंबई के बत्रा चंडीगढ़ के बत्राओं के शोरगुल वाले तरीकों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या ये जोड़े अल्टीमेटली दोस्त बन जाते हैं और अपने मतभेदों को सुलझा पाते हैं, यही इस कॉमेडी का सार है। पंजाबी सिंगर एमी विर्क को अपने गानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में देखा गया। सोशल मीडिया पर भी उन्हें काफी पसंद किया जाता है। एमी विर्क की पर्सनल लाइफ के बारे में आइए जानते हैं। एमी का असली नाम अमरिंदर पाल सिंह विर्क है। एमी एक पंजाबी गायक, फिल्म अभिनेता और निर्माता है। उन्हें फिल्म अंग्रेज में हक्कम निक्का, जेलदार में निक्का, किस्मत में शिवजीत की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। एमी अपने फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते, फैंस को उनका लुक बहुत ही पसंद आता है। अगर बात करें एमी के सक्सेस की तो उन्हें असली पहचान किस्मत गाने से मिली। इसमें उनके साथ सरगुन मेहता भी थी। स्क्रीन पर दोनों की जोड़ी बहुत ही पसंद की गई थी। इसके बाद एमी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये गाना आज भी लोगों को बहुत पसंद आता है। एमी बचपन से ही क्रिकेटर या फिर सिंगर बनना चाहते थे। वो क्रिकेटर तो नहीं बन पाए लेकिन मशहूर सिंगर ज़रूर बन गए हैं। उनकी गर्लफ्रेंड की वजह से उन्होंने BSc कोर्स में दाखिला ले लिया था, जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि BSc करने के बाद वो क्या कर सकते हैं। एमी को गाना गाने का बहुत शौक था। बचपन में उन्होंने गाना याद कर लिया था। उनके घर में जब भी कोई मेहमान आता था तो उन्हें वो वही गाना सुनाया करता था। सिंगर बनने के लिए उनके माता जी उनका हमेशा हौसला भी बढ़ाया करती थी। एक इंटरव्यू में एमी ने बताया था कि एक वक्त था जब म्यूजिक कंपनी का चपरासी भी उनका गाना सुनना नहीं चाहता था। जब वो गाना शुरू करते थे तो उन्हें भगा दिया जाता था। पंजाबी सिंगर एक्टर एमी विर्क और डायरेक्टर जगदीप सिद्धू की जोड़ी सुपरहिट मूवी किस्मत के बाद एक और रोमांटिक मूवी लेकर आई। मूवी का नाम था सुफाना। पंजाबी में सुफना का मतलब होता है सपना। इस मूवी में एमी के साथ आक्रिस तान्या, जगजीत संधू, जासमीन बाजवा, बलविंदर बुल्लित, सीमा कौशल और कोर्ट की मेन रोल्स में दिखाई दिए। सूफना वैलेंटाइंस डे पर रिलीज हुई। एमी ताने और डायरेक्टर जगदीप ने जब दिल्ली का चक्कर लगाया तो वो लल्लन टॉप के स्टूडियो गए। यहाँ क्या कुछ बातें हुई वो हम आपको बताते हैं। हाँ जी, हिंदी वाले जैसे बताने जाते हैं पंजाबी वाले बताने लगते हैं, तो आराम से सुनिए। एमी विर्क हरियाणा के लोहार माजरा पिंड से आते। गाना गाने का शौक बचपन से रखते थे। उन दिनों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया, जब छोटा था तो टारगेट ये रहता था कि कोई भी गाना मुझे पूरा याद हो जाए, गा तो मैं लूंगा। गाने के बहुत से कॉम्पिटिशन में मैं हिस्सा तो लेता था मगर कभी कोई जीतता नहीं था। जब भी मैं किसी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने पहुंचता था तो बाहर से ही निकाल देते थे। मैं सुबह 5 से 6 बजे पहुंच जाता था और 7:30 स्कूल के टाइम तक वापस भी आ जाता था। फिर घर वाले रेडी करके स्कूल भेजते थे। मैं कहता था ऑडिशन देकर आया हूँ, आज रहने तो। वे आगे से कहते थे, नहीं स्कूल तो जाना है। मैं बचपन से ही सुरजीत बिंदर खैया का बड़ा फैन हूँ। उनका गाना तेरा यार बोलदा मैं गाता था। मैं ये गाना हर जगह गाया हूँ, स्कूल में, सबकी शादियों में, रिश्तेदारों के सामने। घर वाले कहते थे चल गीत सुना सबको। करीब 8-10 साल में यही गाता रहा। फिर जब खुद का गाना आया तो 2010-11 तो मैंने दूसरे गाने स्टार्ट किए। मैं मेडिकल करता करता सिंगर बन गया। सूफना फिल्म के एक गाने जान देंगे के लिए एमी ने महीने भर प्रैक्टिस की थी। वो बताते हैं, मुझे जानी और बीप्रा के गानों की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। एक तो मैंने कभी गाना नहीं सीखा, सीधा गाया है। हाई पिच पर सीधे सीधे गा लेता हूँ मगर लो पिच पर फीलिंग के साथ गाना टफ होता है। दूसरी बात, बीप्रा कोई भी गाना पहले खुद गाते हैं, फिर हम उसे 10-15 दिन सुनते हैं, उसके बाद गाते हैं। जब हमने एमी से पूछा पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार लिरिसिस्ट जानी के बारे में कि उनका लिखा हर गाना सुपर हिट कैसे होता है, तो एमी बोले, जानी का तो दौर चल रहा है और ये चलता रहेगा। उसकी कैटेगरी अलग है, उसके मुकाबले का कोई नहीं है। राइटर्स की फील्ड में जानी रिवॉल्यूशन कर आए हैं। वो सारा दिन गाने लिखता है। अगर वो घूमने भी गया हुआ है तो वहां पर भी एक गिटार बजाने वाला उसके साथ होता है। जानी गिटार बजाने वाले का कॉर्ड्स बता देते हैं, वो प्ले करता रहता है। जानी उसके साथ साथ गाना लिखते रहते, सोते हुए भी उसका दिमाग गाना चलता रहता है। वो लेजेंड है। वो शायरी बहुत सुनाता है, अलग शायरों को
सुनाता रहता है, रानी बागी राइटर है। ऐसी और बातें फिल्म सूफना के डायरेक्टर और एक्ट्रेस तानिया ने भी बताई। वो सारी बातें आपको हमारी अगली वीडियोस में भी मिल जाएगी। एमी विर्क की हालिया रिलीज बैड न्यूज़ की बात करें तो वो अच्छा खासा सक्सेस एंजॉय कर रही है। विकी कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क की मूवी बैड न्यूज़ 19 जुलाई को सिनेमाघरों में उतरी। करण जौहर की कंपनी धर्मा के बैनर तले बनी इस मूवी को आनंद तिवारी ने डायरेक्ट किया है। बैड न्यूज़ की रिलीज से पहले उसकी मार्केटिंग ने अच्छा खासा बज़ बना दिया था। यही बज़ मूवी के ओपनिंग डे कलेक्शन में भी दिखा। ट्रेड वेबसाइट के मुताबिक बैड न्यूज़ को 8.5 crore रुपये की ओपनिंग मिली है। यह विकी कौशल के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग है। इससे पहले उनकी मूवी उरी को 8.2 crore रुपए की ओपनिंग मिली थी। ऐसा नहीं है कि बैड न्यूज़ को बॉक्स ऑफिस पर सोलो रिलीज मिली थी। उसके सामने प्रभास की कल की 2898 AD और अक्षय कुमार की सरफिरा जैसी फिल्में थी। सरफिरा को 2.5 crore रुपए की ओपनिंग मिली थी। आगे भी मूवी के कलेक्शन ने कोई बड़ा नंबर दर्ज नहीं किया। ऊपर से बैड न्यूज़ को सरफिरा की तुलना में 2 गुनी स्क्रीन मिली थी। सरफिरा को पहले दिन मुंबई में 472 शोज मिले थे, वहीं बैड न्यूज़ को 835 शोज मिले थे। बीते कुछ समय से छोटे स्केल पर बनने वाली फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही हैं। इसी साल आई श्रीकांत और मिस्टर एंड मिसेस माही के साथ भी यही देखने को मिला था और ओपनिंग डे कलेक्शन देकर लग रहा है कि बैड न्यूज़ भी उसी राह पर चलने वाली है। बाकी पूरी तस्वीरें वीकेंड कलेक्शन के बाद ही साफ होगी। बैड न्यूज़ और सरफिरा के अलावा कल्की की बात करें तो इंडिया में 600 crore रुपए से ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। मेकर्स के मुताबिक मूवी दुनिया भर से 1000 crore कमा चुकी है। ये इस साल की सबसे बड़ी इंडियन फिल्म बन चुकी है। कल्की के मेकर्स माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन के एलिमेंट्स को साथ लेकर आए हैं और कलेक्शन देकर लग रहा है कि उनका एक्सपेरिमेंट कारगर साबित हुआ है। कल्की जल्द ही अपनी रिलीज़ का 1 महीना पूरे करने वाली है और अभी तक मूवी की कमाई में कोई भी भारी गिरावट देखने को नहीं मिली। इतनी बड़ी मूवी के आगे बैड न्यूज़ अपनी जगह कैसे बनाकर रखेगी, ये तो हमने देख लिया। बता दें कि बैड न्यूज़ काफ़ी समय से प्रोडक्शन में थी। पहले से मेरे महबूब मेरे सनम के टाइटल ने बनाया था, लेकिन बाद में मेकर्स के नाम बदल दिया गया। एमी विर्क बैड न्यूज़ में अपनी एक्टिंग और सुरों के अलावा खुश मिजाज के लिए जाने जाते। इवेंट और बी टाउन की पार्टी में एमी विर्क को हमेशा हंसते और दूसरों को हंसाते हुए देखा जाता है। फैंस भी एमी की हंसी और मुस्कुराहट के कायल हैं, लेकिन एमी की हंसी और मुस्कुराहट के पीछे एक खास वजह है। ओनली माई हेल्थ के साथ एक बातचीत करते हुए एक्टर ने अपनी मुस्कुराहट का राज खोला। एक्टर एमी ने ओनली माई हेल्थ के साथ बातचीत की। एक एक्टर और सिंगर होने के नाते उनकी रियल लाइफ काफ़ी बिजी है। काम के बीच में ही उन्हें अपने रेगुलर वर्कआउट एक्सरसाइज के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है। इतना ही नहीं, बिजी स्केड्यूल के बीच ही उन्हें परिवार और दोस्तों के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है। एमी विर्क ने आगे कहा, लंबे समय तक शूटिंग और रिकॉर्डिंग के बीच परिवार के साथ समय ना बिताने के कारण तनाव होने का लाजमी सी बात है। कई बार डेडलाइन के पास होने के कारण भी लोग परेशानी में आ जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मेरे जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, मैं उसे अपने दिल और दिमाग पर हावी नहीं होने देता हूँ। एक्टर ने आगे कहा, जीवन में परिवार, काम, दोस्त और सोशल मीडिया की बातों का बोझ दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि टेंशन लेने से सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, लेकिन नतीजा इसके उलट होता है। दिमाग पर बोझ बढ़ाने से परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो कभी भी किसी बात की टेंशन नहीं लेते और हमेशा खुश रहने की कोशिश करते। एक्टर ने आगे ये भी कहा कि काम के बीच अगर उन्हें किसी बात से ज़्यादा परेशान होती है तो वो उसे अपने परिवार के साथ शेयर करते। उन्होंने कहा, परिवार और दोस्तों के साथ परेशानियों और टेंशन वाली बातों को शेयर करने से दिमाग का बोझ बहुत ही हल्का हो जाता है और हमेशा अच्छा फील करने लगते हैं। इतना ही नहीं, परिवार के सदस्यों के साथ टाइम स्पेंड करना, चाहे वो कॉल पर हो या फिर उनके साथ टेबल पर एक खाना खाते हुए हो, अंदर से एक खुशी वाली फीलिंग आती है जिससे आप अच्छा महसूस करते हैं। इससे आपका बॉन्ड भी अच्छा होता है। यंग जनरेशन के लोगों को सलाह देते हुए एमी कहती है, लाइफ में ज़्यादा बोझ, दिमाग में टेंशन लेने की बजाय लोगों को खुलकर इसे जीना चाहिए। कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग या वेट लॉस करने के लिए खाना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से भी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि आप दिन भर में ऐसे काम करें जिससे रात को सुकून वाली नींद आए। जब नींद अच्छी आएगी तो टेंशन खुद से खुद भाग जाएगी और आप अच्छा फील करोगे। अक्षय कुमार, तापसी पन्नू, वाणी कपूर, फरदीन खान स्टारर मूवी खेल खेल में 15 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज किया गया जो वाकई मजेदार था। लगा कि कुछ नया देखने को मिलेगा। लोगों ने ये भी कहा कि अक्षय की इस मूवी से शानदार वापसी होगी, मगर नादान लोगों को ये नहीं मालूम
धूमधाम ये मूवी भी रीमेक है और ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। हाँ ये बताते हैं कि आप मूल मूवी कहाँ देख सकते हैं। दरअसल अक्षय कुमार की मूवी खेल खेल में 2016 में आई इटालियन मूवी का रीमेक है। इस मूवी का अंग्रेजी नाम परफेक्ट स्ट्रेंजर्स है। इस मूवी को 8 साल से 26 बार रीमेक किया गया। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी इसे सबसे ज्यादा रीमेक की गई मूवी माना है। 2023 में बताया गया था कि इसके 24 रीमेक बनाए जा चुके हैं, जिसमें नथिंग टू हाइड फ्रेंच में, इंटीमेट स्ट्रेंजर्स कोरियन में, किल मोबाइल मंडारिन में, लाउड कनेक्शन रशियन और वाइल्ड गेम शामिल है। अरबी, रोमानिया और जर्मन जैसी कई लैंग्वेजेस में बनी फिल्मों का टाइटल सेम ही रहा, परफेक्ट स्ट्रेंजर्स। वहीं इस मूवी को इंडियन मेकर्स ने भी 3 बार अपडेट किया है। कन्नड़ में इसका ऑफिशियल रीमेक बनाया गया, जिसका नाम लाउडस्पीकर रखा गया। मलयालम में 12th Man और तेलुगु में जब बनी तो इसका नाम रखा गया रिची गाड़ी पेली, लेकिन क्रेडिट नहीं दिया गया। और अब हिंदी में ये मूवी बनने जा रही है। इस इटालियन मूवी को आप अमेजोन प्राइम वीडियो पर आसानी से देख सकते हैं, जो परफेक्ट स्ट्रेंजर्स के नाम से मौजूद है। हालांकि इसे हिंदी में नहीं देख सकते क्योंकि इटालियन भाषा में ही ये उपलब्ध है, मगर आपकी अंग्रेजी दुरुस्त है तो इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखी जा सकती है। परफेक्ट स्ट्रेंजर्स एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इसका डायरेक्शन पाओलो जेनोवेस ने किया है। इटली में ये 11 फरवरी 2016 को रिलीज हुई थी। इसने कई अवार्ड जीते थे, जिसके बाद इसे 20 से ज्यादा देशों में फिर से बनाया गया था। इसकी कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसा आपने अक्षय की मूवी का ट्रेलर देखा है। 7 करीबी दोस्त एक डिनर पार्टी पर इकट्ठा होते हैं। होने से पहले एक दोस्त ये कहती है कि अगर ये सभी एक दूसरे के फोन के मैसेजेस पढ़े तो यकीनन कई कपल अलग हो जाएंगे। इस पर बहस होती है और बाद में वो राजी हो जाते हैं। अब इस दौरान कई बार दोस्त एक दूसरे के मैसेज जोर से पढ़ते हैं, जिससे काफी पोल पट्टी खुलती है, मगर पार्टी खत्म होने के बाद सभी नॉर्मल हो जाते हैं जैसा कुछ हुआ ही नहीं। वहीं अगर स्त्री 2 की बात करते हैं तो साल 2018 में स्त्री देखने के बाद ये लाइन लोगों की जुबान पर चढ़ गई। मूवी ऐसे मोड़ पर रुकी कि सीक्वल आना तय था। अब फाइनली श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की मच अवेटेड मूवी स्त्री 2 का ट्रेलर आ गया है। कैसा है ट्रेलर, क्या है कहानी, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्त्री 2 की कहानी की। ट्रेलर खुलता है और पता चलता है कि स्त्री तो चली गई है, मगर स्त्री को स्त्री बनाने वाला यानी सरकट्टा भूत लौट आया है। चंदेरी एक बार फिर संकट में है। सरकट्टा भूत अब चंदेरी की लड़कियों को पकड़ रहा है, उन्हें अपने वश में कर रहा है। अब विकी और उसके दोस्त और उसकी सो कॉल चोटी वाली गर्लफ्रेंड इस समस्या का निवारण कैसे करते हैं, इसकी कहानी होगी स्त्री 2 की। बॉलीवुड में सीक्वल फिल्मों की लहर दौड़ रही है। एक मूवी चल जाए तो उसका सीक्वल लाकर मेकर्स पैसा बनाना चाहते हैं। थिएटरों से बाहर निकली जनता से दो ही सवाल पूछे जाते, पहला मूवी कैसी थी और दूसरा सीक्वल आएगा क्या। मगर महालक्ष्मी घोड़े की इस रेस में बहुत कम सीक्वल्स ही होते हैं जो अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रख पाते हैं। जितनी मज़ेदार और एंटरटेनिंग पहली मूवी हो, उसी लेवल की भी सीक्वल हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मगर स्त्री 2 इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करती नजर आ रही है। करीब 2 मिनट 54 सेकेंड के ट्रेलर में हर सेकेंड का इम्पोर्टेंस है। अमर कौशिक ने पहली वाली स्त्री डायरेक्ट की थी। इसके सीक्वल को भी अमर ने ही डायरेक्ट किया था। उन्होंने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने इसी यूनिवर्स की भेड़िया भी बनाई। वो मूवी जो कहना चाहती थी, उस आइडिया को सराहा गया। अमर कौशिक की फिल्मों की खास बात यह होती है कि वो कॉमेडी और हॉरर की क्वालिटी बनाए रखते हैं, जरूरी बात कहने की कोशिश करते हैं। अब तक इन कोशिशों का सक्सेस रेट 100% रहा है। मसलन स्त्री महिला सशक्तिकरण जैसे मसले पर बात करती है, भेड़िया नेचर या जंगलों के संरक्षण का मसला उठाती है, मगर ज्ञान नहीं देती, बात करती है। समझ आए तो ठीक, वरना एंटरटेन होकर घर जाइए। आप पर कोई पाबंदी नहीं लादती। इस किस्म की लिखावट और डायरेक्शन उनकी फिल्मों में जान डालती है। लिखावट से याद आया, स्त्री 2 को नीरेन भट्ट ने लिखा है। मूवी की स्क्रीन प्ले के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, मगर ट्रेलर में कुछ वन लाइनर्स हैं जो आपके पेट में बल नहीं डालते, मगर खिलखिलाने पर मजबूर कर। बहरहाल इस बार श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर थोड़ा और जरूरी हो जाता है। सरकटे के आतंक से चंदेरी को श्रद्धा का किरदार कैसे बचाएगा, यही मूवी की कहानी होगी। देखिए कब मूवी का नायक बदल गया, पता ही नहीं चला।
खैर इस मूवी में श्रद्धा कपूर के साथ राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी और तमन्ना भाटिया जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। स्त्री 2 15 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। अगस्त का महीना फिल्म लवर्स के लिए काफी मजेदार होने वाला है। इस महीने में ऑडियंस को अलग अलग जॉनर की कई फिल्में देखने को मिलने वाली है। इसी में से एक है जॉन अब्राहम की एक्शन थ्रिलर मूवी वेदा। फैंस उनकी इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को बढ़ाते हुए इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है, जिसमें एक्टर का जबरदस्त अंदाज देखने को मिल रहा है। फैंस भी इस ट्रेलर पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। निखिल आडवाणी के निर्देशन में बनी इस मूवी में जॉन अब्राहम के साथ एक्ट्रेस शर्वरी वाघ भी लीड रोल में दिखाई देने वाली है। आखिरी बार जॉन अब्राहम को शाहरुख खान की स्टारर मूवी पठान में दिखाई दिया गया था। इस मूवी के बाद अब वेदा में उनका जबरदस्त एक्शन अवतार देखने को मिलने वाला है। ट्रेलर में देखा जा सकता है कि शुरुआत में ही धमाकेदार एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद बैकग्राउंड से आवाज आती है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा मैं धर्म की रक्षा करूंगा। वहीं दूसरी तरफ शर्वरी वाघ भी इस मूवी में जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आई हैं। इस मूवी में अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए जद्दोजहद करते दिखाई देती हैं। 3 मिनट 10 सेकंड के इस ट्रेलर को देखने के बाद फैंस अपने रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने कैप्शन में लिखा कि एक बात तो हम सभी को माननी पड़ेगी कि जॉन अब्राहम अपनी हर मूवी में कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। वहीं कुछ लोगों को इसके डायलॉग भी काफी पसंद आए। जॉन अब्राहम और शर्वरी वाघ के अलावा इस मूवी में तमन्ना भाटिया, अभिषेक बैनर्जी भी अहम भूमिका में हैं। ये मूवी जी स्टूडियोज, एमए एंटरटेनमेंट और जे एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है। एक्शन थ्रिलर मूवी आने वाली 15 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। वेदा के टीजर की शुरुआत शर्वरी वाघ के एक्शन लोडेड अवतार से होती है, जो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए जद्दोजहद करती है। इसके बाद जॉन अब्राहम की एंट्री होती है, जो कहते हैं मुझे झगड़ना नहीं आता, सिर्फ जंग लड़नी आती है। जिसके बाद सब उनके दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन उनकी पहचान पूछते तो वो खुद को बाप बताते हैं। वेदा के टीजर में तमन्ना भाटिया की भी झलक देखने को मिलती है। मूवी में तमन्ना और जॉन अब्राहम की केमिस्ट्री देखने को मिल सकती है। इसका क्लैश अक्षय कुमार की खेल खेल में और स्त्री 2 से होने वाला है, मगर फिलहाल इन तीनों फिल्मों में स्त्री 2 का ही पलड़ा भारी है। खेल फिल्में बीते लंबे वक्त से चर्चा में थी, मगर इसे लेकर कोई पुख्ता अपडेट नहीं मिल रहा था। अब पता चला है कि अक्षय और तापसी ने इसकी शूटिंग भी पूरी कर ली है। खबरों के मुताबिक ये मूवी कुछ पुराने दोस्तों की कहानी है, ऐसे दोस्त जो एक गेम खेलते हैं, ऐसा गेम जिससे उन दोस्तों के बीच का बॉन्ड और दोस्ती दिखाई देता है। इसी खेल के आसपास इन सारे दोस्तों की जिंदगी और उनके पर्सनल प्रोफेशनल रिश्तों को दिखाया जाएगा। खेल खेल में मूवी में करीब 17 साल बाद अक्षय कुमार और फरदीन खान साथ में दिखने जा रहे हैं। इससे पहले दोनों साल 2007 में रिलीज हुई मूवी हे बेबी में साथ काम कर चुके हैं। बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने सोर्स के हवाले से एक रिपोर्ट छापी है, जिसमें बताया गया है कि एक बड़ी कास्ट के साथ कुछ ऐसे पुराने दोस्तों की कहानी है जो डिनर के लिए मिलते हैं। इसके बाद वो मिलकर एक गेम खेलते हैं और अपनी अपनी सीक्रेट्स रिवील करते हैं। इसके बाद जो होता है वो वाकई बहुत ही मजेदार होता है। इसी मूवी से फरदीन खान 13 साल बाद स्क्रीन पर कॉमेडी करते दिखेंगे। सोर्स ने कहा ये फरदीन खान और मुदस्सर अजीज का रियूनियन है। दोनों ने इससे पहले साथ में मूवी दूल्हा मिल गया में काम किया था। दूल्हा मिल गया से ही मुदस्सर ने बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने हैप्पी भाग जाएगी, हैप्पी फिर भाग जाएगी और पति पत्नी और वो बनाई। मुदस्सर की पिछली मूवी डबल एक्सएल थी। मुदस्सर की बतौर डायरेक्टर डेब्यू मूवी दूल्हा मिल गया फरदीन खान की आखिरी रिलीज मूवी थी, जो 2010 में आई थी। फरदीन अब कमबैक के लिए पूरी तरह से रेडी है। फरदीन के खाते में हाउसफुल 5 और विस्फोट नाम की फिल्में भी है। हालिया रिलीज संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी में भी फरदीन दिखाई दिए थे। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट बहुत ही लंबी है। बड़े मियां छोटे मियां और खेल खेल में के अलावा वो स्काई फोर्स, वेलकम टू दी ट्रंगल, हाउसफुल 5, ट्रॉली, एलएलबी 3 और हेरा फेरी 3 जैसी फिल्मों में दिखाई देने वाले हैं 2024 में। इन सभी फिल्मों के अलावा उनके खाते में प्रियदर्शन के साथ एक अनाम मूवी भी है। वहीं रोहित शेट्टी की सिंघम 3 में भी वो कैमियो करेंगे। खेल खेल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ मजेदार कहानी लेकर आ रही मूवी लग रही है। ये मूवी भले ही कॉमेडी वाली हो, लेकिन इसमें एक रियल सस्पेंस भी है और कहानी का ये एलिमेंट मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना रहा है। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार के लिए पिछले 3 साल बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन अब वो इस साल अपनी तीसरी रिलीज के लिए बिल्कुल रेडी है। उनकी नई मूवी खेल खेल में का ट्रेलर आ गया है और अक्षय कुमार फैंस के लिए अच्छी बात ये है कि वो अपनी
ट्रेडमार्क ह्यूमर और कॉमिक टाइमिंग के साथ नजर आ रहे हैं। ट्रेलर में नजर आ रही कहानी के हिसाब से खेल खेल में तीन कपल्स की कहानी है। अक्षय कुमार, वाणी कपूर, एमी विर्क, तापसी पन्नू और आदित्य सील, प्रज्ञा जायसवाल आपस में दोस्त या रिलेटिव है। इनके लुक्स देखकर लग रहा है कि ये शायद किसी पार्टी के बाद साथ रुके हैं और बोर हो रहे हैं। इनके साथ परवीन खान भी है जो कहानी में अकेले सिंगल पुरुष नजर आ रहे हैं। ये सभी अपनी बोरियत को दूर करने के लिए एक गेम खेलते हैं और तय करते हैं कि रात भर के लिए सभी के मोबाइल फोन पब्लिक प्रॉपर्टी होंगी, यानी किसी के भी फोन पर जो मैसेजेस कौन आएगा वो सबको पता चलेगा। और ये तो हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में किसी के वकील, डॉक्टर और सीए से भी ज्यादा राज उसके मोबाइल में होते हैं। खेल खेल में के ट्रेलर में जहाँ किसी का मोबाइल एक कॉल गर्ल एजेंट से उनका कनेक्शन जोड़ रहा है, तो किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नजर आ रहा है। मगर ट्रेलर कहानी का कोई बड़ा ट्विस्ट भी छुपा रहा है। कहानी में एक खटकने वाली बात यह है कि फरदीन का कैरेक्टर ही सिंगल है और वो कहानी में अक्षय के अच्छे दोस्त नजर आ रहे। इन्हीं दो मेल किरदारों की उम्र भी मैच कर रही है। क्या खेल खेल में का बड़ा ट्विस्ट अक्षय, वाणी और फरदीन के बीच छुपा है? अक्षय इस मूवी में अपनी ट्रेडमार्क कॉमिक टाइमिंग में नजर आ रहे और फरदीन लंबे समय बाद वापसी करे। मूवी की टैगलाइन है स्त्री और पुरुष दोनों देखे, जो अक्षय की मूवी के साथ रिलीज हो रही दूसरी फिल्मों को इशारा करती है। 15 अगस्त को खेल खेल में के साथ श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 और जॉन अब्राहम की वेदा भी रिलीज हो रही है। खेल खेल में साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। अक्षय कुमार के फैंस इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों को खेल खेल में का ट्रेलर को तो देखा देखा सा लग रहा है। सूत्रों की माने तो जैसे अक्षय की मूवी के ट्रेलर की शुरुआत में सभी दोस्त एक टेबल को घेर कर बैठे हैं और फोन पर कुछ मैसेज आता है। कुछ ऐसे ही सीन 2016 में आई इटालियन मूवी परफेक्ट स्ट्रेंजर्स में भी देखने को मिले थे। अक्षय कुमार और वाणी कपूर खेल खेल में कपल की भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे ही तापसी और एमी भी कपल है। ये सभी दोस्त है और एक खेल खेल रहे हैं जिसमें फोन पर मैसेज आता है और उस मैसेज को सभी के सामने पढ़ना है। उस मैसेज को पढ़ने के बाद इनके आपसी रिश्तों में क्या बदलाव होता है, मूवी की कहानी इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है। सूत्रों की माने तो 2018 में परफेक्ट स्ट्रेंजर्स को फ्रेंच में नथिंग टू हाइड टाइटल से बनाया गया था। मुदस्सर अजीज के निर्देशन में बनी मूवी खेल खेल में 15 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। खेल खेल में के ट्रेलर को देखने के बाद कुछ लोग कह रहे हैं साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल की एक मूवी ट्वेल्थ मैन भी इसी सब्जेक्ट पर मिलती जुलती मूवी थी। इसके अलावा एक और कन्नड़ मूवी भी इसी कहानी पर बन चुकी है। कई फ्लॉप फिल्मों की मार झेल रही अक्षय की ये मूवी अब बॉक्स ऑफिस पर क्या खेल दिखाएगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। पिछले कुछ अरसे से भले ही अक्षय कुमार का करियर ठीक नहीं चल रहा, मगर बॉक्स ऑफिस के खेल के वो तगड़े खिलाड़ी रहे हैं। बैक टू बैक फ्लॉप देने वाले अक्षय कुमार ने सिलसिलेवार ढंग से हिट फिल्में भी खूब दी हैं। अक्षय के फैंस जानते होंगे कि जिस मूवी ने उन्हें खिलाड़ी का तमगा दिलवाया था उसका टाइटल भी खिलाड़ी ही था। मगर ये बात कम लोग जानते होंगे कि 32 साल पहले आई इस मूवी का उनकी आने वाली मूवी खेल खेल में से क्या कनेक्शन है। चलिए डिकोड करते हैं सारी चीजों को और ये बहुत ही मजेदार कनेक्शन है। स्टोरी की शुरुआत खेल खेल में टाइटल से होती है। मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि खेल खेल में कुछ दोस्तों के सीक्रेट रिवील हो जाते और उनसे ट्विस्ट आते हैं। इस टाइटल से पहले मूवी 1975 में आई थी जो ब्लैक कॉमेडी थ्रिलर थी। उस मूवी में ऋषि कपूर, राकेश रोशन और नीतू सिंह ने लीड रोल्स निभाए थे। रवि टंडन निर्देशित मूवी बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही थी। इसकी कहानी सचिन भौमिक ने लिखी थी। मूवी में ऋषि, राकेश और नीतू ने कॉलेज स्टूडेंट्स के किरदार निभाए थे जो एक प्रैंक की वजह से बदमाशों के चुंगल में फंस जाते हैं। ये मूवी शुरुआत में कॉलेज रोमांटिक ड्रामा जैसी लगती है, मगर धीरे धीरे एक जोरदार थ्रिलर मूवी बदल जाती है। ये मूवी अंग्रेजी नॉवल गुड चिल्ड्रन डोंट किल पर आधारित थी। आपको याद होगा कि अक्षय कुमार 1992 में आई मूवी खिलाड़ी का मुख्य प्लॉट भी कुछ इसी तरीके का था। अक्षय, दीपक, तिजोरी, आयशा लीड रोल्स में थे जो एक शर्त की वजह से बहुत बड़ी साजिश में फंस जाते हैं। अब्बास मस्तान निर्देशित ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी और अक्षय के नाम के साथ खिलाड़ी टैग जुड़ गया था। अब समय का पहिया घूम कर वहीं आ गया है और अक्षय की आने वाली मूवी का टाइटल खेल खेल में है।
बॉलीवुड के हैंडसम फरदीन खान ने 14 साल बाद संजय लीला भंसाली की हीरा बंदी सीरीज से वापसी की थी। एक्टर अब फिल्म इंडस्ट्री में फिर से एक्टिव हो चुके हैं। फरदीन की अब खेल खेल में मल्टी स्टारर मूवी आने वाली है, इसमें वो अक्षय कुमार के साथ है। हाल ही में इसका ट्रेलर जारी हुआ। फिल्म कास्ट और क्रू के साथ एक वीडियो शेयर किया उन्होंने और अपना फीलिंग्स भी जाहिर किया। फरदीन खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की जहां वो खेल खेल में मूवी की कास्ट संग प्रमोशन करते और मस्ती करते दिखे। इसके साथ कैप्शन में एक्टर ने अपनी फीलिंग्स भी शेयर की और लिखा, मैं आप सभी के साथ खेल खेल में का ट्रेलर शेयर करते हुए बेहद एक्साइटेड हूँ। ये पल मेरे लिए बहुत ही इमोशनल है क्योंकि ये 14 सालों में मेरी पहली थिएट्रिकल रिलीज है। बड़े पर्दे पर वापसी करना पुरानी यादों उत्साह को फिर से ताजा करना है। फरदीन ने बताया कि उनकी कमबैक से पहले की आखिरी रिलीज दूल्हा मिल गया थी, उसको भी खेल खेल के डायरेक्टर ने ही डायरेक्ट किया था। वो बोले, मुदस्सर अजीज उर्फ एमए के साथ इस मूवी पर काम करना अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। दूल्हा मिल गया मूवी की बहुत सारी यादें ताजा हो गई, जो किस्मत से मेरी आखिरी सिनेमा घरों में रिलीज हुई मूवी भी थी। एमए के विजन और डेडिकेशन ने इस प्रोजेक्ट को हम सभी के लिए बहुत ही खास बना दिया है और मैं इसका हिस्सा बनकर खास तौर से भाग्यशाली फील करता हूँ। एक्टर ने खेल खेल में की कास्ट को भी बहुत ही ज्यादा धन्यवाद कहा। एक्टर ने कास्ट एंड क्रू को कहा कि आप में से हर एक ने मूवी में एक अलग ही तरह का फील जोड़ा है। फिल्म मेकिंग के दौरान मुझे दिखाए गए गर्मजोशी, प्यार और सम्मान के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। आपने मुझे इतने लंबे समय से थिएटर से दूर रहने के बाद भी इतना वेलकमिंग फील करवाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फरदीन का ये ग्रैटिट्यूड पोस्ट पढ़कर फैंस भी इमोशनल होते नजर आए। कमेंट कर सभी ने उन्हें उनकी नई पारी के लिए बहुत सारी बधाइयां दी। बता दे, खेल खेल में मूवी में अक्षय कुमार, फरदीन खान के साथ एमए विर्क, आदित्य सिंह, वाणी कपूर, प्रज्ञा जायसवाल, तापसी पन्नू भी होंगे। ये मूवी 15 अगस्त को रिलीज होगी। हालांकि फरदीन के साथ साथ अक्षय के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा कि उनकी मूवी ऑडियंस के दिलों पर कितना छाप छोड़ पाती है, क्योंकि 15 अगस्त को ही जॉन अब्राहम की देशभक्ति मूवी बेटा और राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की स्त्री 2 भी रिलीज होने वाली है। दोनों ही फिल्मों का फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है। ऐसे में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी मूवी ऑडियंस को ज्यादा लुभाती है। वैसे स्त्री का अपना अलग ही फैन बेस है, तो ये हो सकता है कि स्त्री 2 खेल खेल में को कमाई के मामले में क्रॉस कर जाए।